टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द मजेदार शो विद आदि एंड फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूँ हमारे सिंगर और हाउसमैन काशी भाई एंड द कराची बॉयज। बैठे रहे जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काशी भाई आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ऑल राइट, और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि आदि लंडन। अस्सलाम वालेकुम। आदि भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदि भाई रिसेंटली लाहौर से आए, लाहौर कैसा था ये बताएं? लाहौर बहुत अच्छा था, ठीक है। बहुत खूबसूरत मौसम था, सूरज नहीं निकल रहा था, हर वक्त छांव थी, ठंड थी। हाँ। और बड़ा मजा किया, पंजाब के लोगों से मिले और आपको पता है कि पंजाब के लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ। तो बस बड़ा अच्छा टाइम था, 2-2.5 हफ्ते गुजारे। हाँ। कल मैं वापस आया हूँ और आपके सामने देखा मैंने बड़े पाए शाये खाए आपने उधर। पाए खाए हमने, असल में मैं और हमारे साथ जो हमारे बड़े भाई फहद मुस्तफा थे। हाँ। हम दोनों का एक मसला ये था कि हम कह रहे थे कि यार जो यहाँ की सौगात है ना, हमने उसको देखना है। तो हमने सारे फैंसी रेस्टोरेंट हम कहीं नहीं गए, हम रात को निकलते थे, कोई ऐसी जगह पे आते थे, खाना खा के वापस आते थे, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर असली लाहौर और असली पंजाब की फील है। बाकी महंगे रेस्टोरेंट्स तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो बड़ी अच्छी बात है वो ये है कि PSL वापस आ गया। हाँ, PSL वापस हमारे वैसे थोड़े मसाइल चल रहे हैं कोविड के नंबर्स को लेके और चीजें लेके कि जी एंटरटेनमेंट नहीं है, सिनेमास के नंबर्स वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए थे, उतनी ऑक्यूपेंसी अलाउड नहीं है इस वक्त, लेकिन PSL वापस आ गया है। एक ऐसी चीज है जो बार बार हर साल लोगों को जोड़ लेती है वापस। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दफा भी PSL वापस आ रहा है, हम आपको रोजाना देखेंगे इंशाल्लाह PSL। बिल्कुल, वेरी गुड। और बड़ा अच्छी बात यह कि मैंने देखा है कि ओवरऑल जो चीज मुझे अच्छी लगी, एक तो ये कि PSL का एंथम और जो उसकी प्रोडक्शन होती है वो हर साल बेहतर से बेहतर होती जा रही है। उसके साथ साथ रात ही मैं तमाम फ्रेंचाइजेस के जो गाने हैं वो देख रहा था, ये भी मैंने देखा है कि 2-3 साल में और बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो कोई सी भी साइड हो। मुझे ऐसा लगता है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि चले क्रिकेट का कंपटीशन अपनी जगह, लेकिन क्रिएटिव कंपटीशन भी उसके अंदर है। हर टीम अपनी तरफ से क्रिएटिव तरीके से गाना बनाती है, फिर उसकी वीडियो बनाती है। हाँ। तो वो भी एक तरह का शुरू हो जाता है कि जी मुल्तान वाले फैंस जो हैं, वो कराची वाले फैंस जो हैं। हाँ। वो सब एक आपस में हो जाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छी ज्यादा बात यह है कि क्रिकेट को लेके यह चीज हो रही है, अभी मुझे थोड़े अरसा पहले पता लगा, आपको ज्यादा पता होगा कि T10 टेप बॉल का टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, प्रॉपर ड्राफ्टिंग हो रही है और जी जी हुआ, बाकायदा हुआ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि चले फाइनली स्पोर्ट्स को लेके ध्यान दिया जा रहा है। इसी पे बस मुझे एक चीज का थोड़ा सा कहने दुख है या मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि हमारे कराची में माशाल्लाह बहुत सारा गंद है, हम खुद भी एक गंद है और रोडों पे भी गंद है और बड़े बड़े करोड़ों प्लॉटों पे भी गंद है। तो एक तो हम स्पोर्ट्स खेलते हैं क्रिकेट, जब खेलना तो हमें हॉकी चाहिए था, लेकिन चले हॉकी पीछे रह गया, क्रिकेट आगे आ गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी प्लॉट्स हैं बड़े बड़े जहाँ कचरों के पहाड़ बने हुए, उसको अगर आप साफ करवा के वहाँ एक छोटी सी पिची बना दें तो मेरे ख्याल से लोगों के वो जगह काम आ जाएगी बजाय उसके वो बीमारियां अंदर। इनफैक्ट इस बात को मैं सेकंड ये करूँ, अगर पिच नहीं बना सकते क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, क्रिकेट की एकेडमीज बहुत सारी अब अवेलेबल हैं कराची में, चाहे पूरे पाकिस्तान की बात की जाए, तो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो जिसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा करता है लेकिन उनको उस तरह से देखा नहीं जाता, नहीं जाता। जैसे आदि ने हॉकी कहा क्योंकि हॉकी स्टेडियम हर जगह नहीं बन सकता, लेकिन बॉक्सिंग एक ऐसी चीज है बिल्कुल बिल्कुल जिसमें हमारे लोग बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है, तो वो फैसिलिटीज वहां पे बनाई जा सकती है। बॉक्सिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सब का साथ दिया जाए तो हम देखें यहाँ लड़के रेसे लगाते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में लगाते हैं, हम कोई पाकिस्तानी अलग पागल नहीं हो जाते 70 पे बैठ के, पूरी दुनिया में लोग रेसे लगाते हैं, यहाँ गाड़ियों पे लोग रेसे लगाते हैं, मोटर स्पोर्ट पूरी एक इंडस्ट्री है, अगर हम उसको प्रमोट करें और प्रॉपर तरीके से चलें तो वहां से बिजनेस आएगा, यहाँ से लोग जाएंगे, पैसे कमाएंगे, नाम बनेगा, सिर्फ हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो दे रहा है उसका बहुत शुक्रिया, जो PSL करा रहे हैं उनकी मेहरबानी कि वो हमारे पूरे मुल्क को लेके वापस से एक हो जाते हैं थोड़े अरसे के लिए। बिल्कुल ठीक है। आदि भाई आज के जो हमारे गेस्ट आज के जो हमारे गेस्ट हैं
जैसे हमने कहा ना कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, हाँ मतलब उनको सिर्फ एक काम, वो जो काम करते हैं अच्छा ही किए जा रहे, जो काम करते हैं अच्छा ही किए जा रहे हैं, और माशाल्लाह एक अरसे से किए जा रहे हैं। बिल्कुल, इतने अरसे से कंसिस्टेंट रहना एक बहुत मुश्किल काम होता है, चाहे आप कुछ भी करते हो। बिल्कुल, चाहे आपका इंटरेस्ट हो, चाहे आपका इंटरेस्ट ना हो, चाहे आप उसको जॉब की तरह करें या ना करें, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो अब प्रोडक्शन भी करने लग गए हैं, तो उन्होंने कहा कहीं ये काम मुझसे ना रह जाए, जल्दी से इन पे नजर लगाइए, जल्दी से कर लें, है ना, चाहे राइटिंग हो, चाहे थिएटर हो, फिल्म हो, हर चीज करते हैं माशाल्लाह, और हर चीज पहले से बेहतर करते हैं। इनके साथ मुझे बहुत बड़ा एजाज मिला कि इनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। इनको बुलाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। अब सीनियर है, इनको हम ये नहीं कर सकते इनको हम तंग करेंगे, नहीं नहीं, इनको हम तंग नहीं कर सकते, इनको हम तंग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आने वाला है जी। आपके बहुत ही पसंदीदा, बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर एहतिशाम उद्दीन। क्या है सिलसिला कि मैं जो करूंगा बहुत अच्छा करूंगा, अच्छे के अलावा कुछ नहीं करूंगा? ओथ लिया था, ओथ लिया था। किसने दिलवाया आपको ये ओथ? बस अपने आप से। अच्छा, अपने आप। लेकिन ये कि वो आप लोगों का बड़ापन है कि आप लोगों ने उसको अच्छा समझा, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम करें और अपनी पूरी कोशिश से उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें जो लोगों को पसंद आ जाता है तो वो कहते हैं कि हमेशा अच्छा काम करते नहीं है, हमेशा नहीं, बहुत सारा भंड भी किया है वो, शायद सोशल मीडिया का दौर नहीं था। अभी इतना ज्यादा बातें होती हैं, ज्यादा लोग। लेकिन श्याम भाई, एक एक जर्नी में भंड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत जरूरी होता है, इट्स अ लर्निंग कर्व। अगर आप नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? बिल्कुल, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि यार मेरे से ये गलती हो गई या मैंने, तो उसको लेके नहीं बैठना है, उस गलती से भी आपने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ सीखा। सही, तो ये एक्चुअली जो गलतियां नहीं करता वो कैसे सीखेगा, ग्रो कैसे करेगा? हाँ, ग्रो नहीं करेगा। लेकिन ये गलतियां वो वाली हैं जो गलती से हो जाती है। जी जी, हमारा मसला ये कि हम लोग ऐसी बातें सुन के ना समझते हैं कि यार टेढ़ा काम कर दो जल्दी से, क्योंकि उन्होंने कहा था गलती होगी तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, देखें, कोई भी जर्नी आप जब शुरू करते हैं तो आपको रास्ते का इल्म नहीं होता। बिल्कुल, कहीं आपको कोई अच्छा उस्ताद मिल जाता है तो आप रास्ते का उससे पूछ लेते हैं कि भाई ये रास्ता हम, वो कहते हैं जो रास्ता मैंने देखा वो दिखा सकता हूँ, उसके अलावा जो दूसरे रास्ते हैं वो तो तुम्हें खुद तलाश करने होंगे। अब वो दूसरा रास्ता कैसे तलाश होगा? वो ऐसे ही तलाश होगा कि आप एक दफा जाते हैं तो आप बोलते हैं अरे यार ये सड़क तो कहीं और, ये तो बिल्कुल डेड एंड है या तो फंस गए, लेकिन वहां से जब वापस आएंगे तो कम से कम आप ये सीख चुके होंगे कि ये डेड एंड है, डेड एंड है, तो अब आप फिर वहां एक बोर्ड लगा देंगे भैया यहाँ से नहीं गुजरना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रास्ता आदमी सिलेक्ट कैसे करता है? यार ये तो मेरा ख्याल है कि एक आपके अंदर एक जस्तुजू, ठीक है, और आप जो चीज़ भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में, मेरा ख्याल है अगर आप सोच लें कि मैंने ये करना है तो आप वहाँ पहुँचेंगे ज़रूर, चलते रहें। बिल्कुल सही, आप मतलब उसको छूटेगा नहीं आपसे कुछ, अंटिल अनलेस आप उससे खुद ही जो है आप मुड़ जाएं। हाँ, आप नियत खुलूस के साथ कोशिश, और कोशिश करके आप चलते रहना है, शर्त चलते रहना है। ठीक है, ये नहीं, वो कहते हैं ना कि वो शौक को रहनुमा बनाया था, वाह आप ही आप कट गए रस्ते। क्या बात, तो सारे रस्ते जो है वो खुद ब खुद कट जाते हैं अगर शौक को आप रहनुमा बना लें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह थोड़ा सा मुझे कह लें कि इस बात की कंप्लेन भी मैं करता हूँ, क्या करता जरा, आप लोग जैसे सीनियर्स हैं और इतना क्रिएटिव काम भी आप करते हैं, इतना अच्छा काम भी आप करते हैं, जिस तरह का भी काम करें वो एक अलग सा नजर भी आता है, उसके बाद भी आप लोगों का दिमाग क्यों नहीं खराब होता, मुझे बताएं। सेम सवाल, आप यही सेम सवाल हमने सैफी भाई से पूछा। हाँ, ये हम जावेद साहब से पूछते हैं कि सीनियर हमारे टाइम पे भी आ जाते हैं, फिर नखरे भी नहीं करते, और आप आगे कोई पागलों वाली हरकत भी नहीं करते ना कि मैं आ गया, मुझे लाल सोफा नहीं चाहिए, काला चाहिए, ऐसा कोई काम क्यों नहीं करते आप, नॉर्मल क्यों हैं? मेरा ख्याल है कि शायद देखो हर चीज़ में ना उस्तादों का बड़ा अमल दखल होता है, जहाँ से आप जहाँ बैठते हैं उठते हैं वहाँ से बातें सीखते हैं, वो तरबियत जो होती है ना, वो तरबियत ही मेरे ख्याल है आदमी को ऐसा बना देती है, तो ये तरबियत का कसूर है। ये तरबियत का मसला है। नहीं, मेरे ख्याल से तो आजकल ये मान लेना कि मेरा कोई उस्ताद था यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तो जो आते हैं वो कहते हैं अरे मैं तो नेचुरल, यू नो। नहीं, देखिए उस्ताद तो सिर्फ एक इंसान की बात नहीं होती, उस्ताद तो आपका आसमान भी है। क्या बात, वो आपको बताता है कि भाई सुबह हो गई है, मतलब वो आपको सिखा रहा है। क्या बात, वो हर जगह हर जहां भी आप जाते हैं कोई ना कोई उस्ताद आपको मिल जाता है, और वो जरूरी नहीं
कि वो उस्ताद सिर्फ लिखने पढ़ने से ताल्लुक हो उसका, जिंदगी में कोई अच्छी बात भी किसी सीख के आप आगे बढ़ जाते हैं और आप कहते हैं यार इसने मुझे बात सिखाई है, उसने ये हरकत की तो मैंने सीख ली। कम से कम हम लोगों से अच्छी हरकतें जो है वो जिससे भी सीखते हैं हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते, क्योंकि अगर आप उसको अप्लाई करने लग जाते हैं अपनी जिंदगी में तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उस्ताद ही बन गया ना। बेशक, उसने वो अप्लाई किया था फिर आपने अप्लाई किया, तो ये उस्ताद जो है वो आपको हर जगह मिलेंगे। आपका काम है कि उस उस्ताद से हासिल करना, हासिल करना, तो वो अच्छा बुरा जिंदगी में जो कुछ भी है वो सारा इन्हीं के पहले किताबें भी उस्ताद होती है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो भाई मैंने एक और चीज़ नोट की कि जितने हमारे सीनियर्स हैं जो हमारे पास अब तक आए वो सब यही कहते हैं कि जी हमने इनसे ये सीखा, इनसे ये सीखा, इनसे ये सीखा। उसके बरक्स जो आजकल लोग हैं, एक तो वो उस्ताद किसी को मानते नहीं है, दूसरा अगर वो किसी से कुछ सीख भी लें तो कहते हैं बस ठीक है मैंने देख लिया मैं भी ऐसे ही करता हूँ यार। तो ये जो एक गैप आ गया हमारे अंदर कि हम किसी को अपना उस्ताद नहीं मान सकते या ये नहीं मान सकते कि जी मैंने उनसे कुछ सीखा है, ये जो गैप है इसको इसको कैसे हैंडल किया जाए? और एक लाइन वो ये भी बोलते हैं कि अगर ये मेरा उस्ताद होता तो इसके मुझसे ज्यादा फॉलोअर्स होते। हाँ ये है जो आपने लाइन फॉलोअर्स जो फॉलोअर्स है ना ये एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है और गड़बड़ इसलिए चल रही है कि आप कहते हैं कि अच्छा भाई तुमने जिंदगी में क्या किया तो वहाँ पे ये आता है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तो अच्छी बात है फॉलोअर्स जरूर रखें लेकिन फिर उनको फॉलोअर्स को फिर आप मिसाल भी पेश करें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इतना सारा कुछ होता है, जब भी आप जब किसी फील्ड में आते हैं तो किसी ना किसी को आप एक बोलते हैं ना कि यार ये मेरा मेंटोर है, मेंटोर है, एब्सोल्युटली मैं आप उससे सीखता। तेज़ी आ गई है सब जिंदगी और तेज़ी ऐसे आई है कि पहले एक ज़माने में जो वो कहते हैं ना कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो भाई सांस फूल गया पहुँचते, सांस फूलना चाहिए। क्या बात है, सांस नहीं फूलेगा तो कोई कमी है, मतलब फिर आप तो उसमें आपने हर जगह कोई ना कोई कोशिश की, वहाँ से कुछ उठाया वहाँ से कुछ उठाया, क्योंकि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस का योगदान रहा हमेशा से, हमेशा से, ठीक है, खास तौर पर इस फील्ड में। तो यहाँ अब जाके कोई नापा जैसा अदारा है जो ट्रेन करता है एक्टर्स को जी, या अगर हम कहें कि इकरा यूनिवर्सिटी है या दूसरी जो BNU है लाहौर में और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ अब वो मीडिया साइंसेज और इस चीज़ें पढ़ा रहे हैं, हाँ। लेकिन फिर भी फिल्म मेकिंग के लिए कोई मेजर अटेम्प्ट नहीं है अभी भी, लोग कहते बाहर जाते हैं, बाहर से पढ़ के आते हैं, या जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो यहाँ पे रहते हुए हमने मुख्तलिफ जगहों पर काम करके और आहिस्ता 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 हमने किसी से थोड़ा जुनून ने दिया थोड़ा मुनू ने दिया तो वो फिर हमारी खिचड़ी बनना शुरू हुई और हमने वो खिचड़ी बनानी शुरू की। तो कहने की बात यह है कि जब इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनने के बाद आप एक प्रॉपर तरीके से आ रहे हो, ये वक्त आ गया है। और ये जो गैप आप कह रहे हैं ना कि अभी आजकल जो उस्तादों को नहीं मानते, ऐसा नहीं है, अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मानते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमने इनसे सीखा, इनसे सीखा, ठीक है ना। जैसे अभी फैजान ने आते ही कहा कि हम मैंने साथ काम किया, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं जिनको जल्दी होती है और फिर वो ज़रा सा जल्दी से, मेरी मुराद ये है कि बच्चे तरह आजकल जल्दबाज भी बाकी और फिर उनको जल्दी में बहुत कुछ मिल भी जाता है, लेकिन उसको सस्टेन करना है एक्चुअली, बिल्कुल दैट इज़ यानी आप एक वक्त में एक छक्का ज़रूर लगा दें लेकिन वो 100 तक पहुंचाना, जैसे आप क्रिकेट की बात कर रहे थे तो वो 100 की जो इनिंग खेलनी होती है ना उसमें स्टेबिलिटी चाहिए, हर बॉल पे छक्का नहीं लगता भाई, बिल्कुल है, कोई बॉलें रोकनी भी पड़ती हैं, कुछ को जो है वो आप एक हाथ सिंगल विंगल ले लेते हैं, तो एक जर्नी जो है वो एक ECG रिपोर्ट की तरह होती है कहीं ऊपर और कहीं नीचे, नीचे हो जाती है। आपको सस्टेन करना है, आप वहाँ खड़े हो 20 साल बाद भी जाके तो बड़ी बात है, या 30 साल बाद जाके वहाँ खड़े हो। शेख साहब का आप जिक्र कर रहे थे, देखें आप सीजन लोग, नदीम साहब है हमारे पास, बिल्कुल तबीज खान साहब है हमारे पास, आप आपकी वालदा देखें, आप अरसा गुजर गया लेकिन ना उनके उसमें कमी आई है ना उनकी कमिटमेंट में कमी आई है। ये वो लोग हैं जिनसे सीखे, उनके सेट में तो बैठ गया उनके साथ, फारूक रमी साहब मरहूम, बिल्कुल मतलब बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो स्टार्स जो हैं वो होते हैं सेट पे, फारूक साहब से बड़ा स्टार कौन होता है, जब स्टार रवि साहब से बड़ा कौन, लेकिन आप देखें कोई उनका कोई एटीट्यूड नहीं, कोई टेंटम नहीं, काम के लिए आए हैं, वो कहते हैं आपका दिन है। और जो एक्टर है ना उसके लिए मैं खास, चूँकि मैं अभी बात उस हवाले से हो रही जी जी, उसमें जो जो पैसे मिलते हैं ना वो आपको इंतज़ार करने के लिए, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्या आप वेट कर,
और पूरी दुनिया में ऐसा ही है, जब आप सेट पे आ जाते हैं तो दैट इज योर प्लेजर, योर परफॉर्मिंग. एक परफॉर्मर को क्या चाहिए? परफॉर्मेंस, सब लोग उसे देख रहे हैं. तो वो जब सेट पे है या वो स्टेज पे है, वो परफॉर्मेंस जारी है, वो जब परफॉर्म करता है तो दैट इज हिज प्लेजर. पैसे तो आपको वेट करने के लिए, क्या बात है, उसको आप जरा जहन में रखें और आप बैठे. आपको बुलाया जाएगा तो आप शॉट दे दें. लेकिन जब आपको बुलाया जाए तो आप शॉट दे दें, ये ना कहें कि अभी मैं अपना ग्रीनो पी रही हूँ. नहीं, उसके उसकी भी इजाजत है कि चलें ठीक है. हाँ, क्योंकि मैं एज ए डायरेक्टर बात करूँ, क्योंकि मैं मेरे पास मैं एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी, तो मैं फिर एक्ट्रेस को उनके हिसाब से लेके जाता हूँ, बिकॉज स्क्रीन मेरी जो है वो उनसे चलती है, तो मैं उनको बिल्कुल ऐसे रखता हूँ फूलों की तरह. और मैं कहता हूँ मूड ख़राब करके मेरे सेट पर नहीं आना, ठीक है. और सेट पे मेरे बहुत आराम से बात होती है, कोई शोर शराब आपको वाला मसला नहीं होता. लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, नहीं. अच्छा, लाइट जाते वक्त देखें कोई ऐसा शॉट है पर्टिकुलर जिसको आपने लेने ही ना, तो आपने फिर की कोशिश करनी है कि प्लानिंग कैसे कर लें. फिर भी अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है तो वो मेरे ख्याल है मेरी ज़िंदगी में जितने भी मैंने काम किए हैं, अगर कोई मसला हुआ है ना वो अच्छे के लिए ही हुआ है यार. अच्छा, ये मैंने सीख लिया, शायद एक उम्र के हिस्से में आ गया हूँ कि मुझे लगता है कि शायद जो कुछ भी होता है अगर आपकी नीयत साफ है ना तो आपके अच्छे के लिए अच्छे के लिए हो जाता है. सही बात है. अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, दिस हैज नथिंग टू डू विद यू और एनीबॉडी. ऐसी एक मैं अक्सर अकेला बैठ के सोचता रहता हूँ, अभी मुझे जहन में आया तो मैंने कहा पूछूं. देखें कि हर जमाने में बहुत सारे लोग आते हैं एक्टिंग करने और हर जमाने में बहुत सारे लोग एक्टिंग करते भी हैं, लेकिन जब हम अपने सीनियर्स के बारे में सोचते हैं, जरा मैं जब बैठ के सोचता हूँ सीनियर्स के नाम या सीनियर एक्टर्स के नाम, तो 8, 10, 12, 14 नाम मेरे जहन में आते हैं जो मुझे जो मैं जिनको मैं आंखों से देखता हूँ काम करते हुए या जो लिस्ट में होते हैं. बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं? इतना बंदा काम करने आता है, वो करता भी है, लेकिन जब हम सीनियर मतलब उस एज की बात करते हैं उसमें वो लोग नहीं होते, उसमें वो 8-10 ही होते हैं. तो बाकी वो हजारों लोग कहाँ चले, क्या वो छोड़ देते हैं फील्ड या काम खत्म हो जाता है? नहीं नहीं, छोड़ नहीं देते. वो असल में सब्जेक्ट की तलाश होती है. आप देखिए जो कुछ भी हो रहा है, छप रहा है ना, हम अगर सोशल मीडिया की बात भी करें तो आप जो कुछ स्टेटस दे रहे हैं वो आपका अमालनामा है ना. आज से 10 साल बाद अगर कोई देखेगा आपका स्टेटस तो बोलेगा आपने ये बात की थी ना यार. बिल्कुल. इसी तरह से जब आप काम करने आते हैं ना तो उससे थोड़ा सा मुखलिस होके कि आप करने क्यों आए, सबसे पहले ये सवाल कीजिए. शोहरत चाहिए वो तो आपको एक रात में मिल जाएगी, घंटे में. बिल्कुल. लेकिन अगर आप अपने काम से पहचाना जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल है फिर आपको चॉइस और यू हैव टू लर्न, यानी आपको सीखना पड़ेगा नो कहना कि अगर बुरी चीज़ आ रही है तो आप सुन लो. अच्छा हाँ, अगर आप नहीं कहेंगे ना तो फिर आप अपना ग्राफ अपना एक वो सेट करते जाएंगे और पीछे पलट के देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ठीक है, रिग्रेट्स कम होंगी, ठीक है जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं बना होगा, लेकिन आप ये कहेंगे यार कहानियाँ जो मैंने की या मैंने एक्ट जो किया या मैंने किसी चीज़ में काम किया, मैंने कोशिश ये की कि मैं बेहतर काम को सिलेक्ट करके करूँ और मैंने जो मैं समझता था कि ये मज़ा नहीं आएगा इसमें या ये मेरे मिजाज से हटके है या मैं ये करने ही नहीं आया और मैंने उसको नो कह दिया, तो वो फिर आपका एक बन जाता है. तो बहुत सारे जो अच्छे एक्टर्स को आप देखते हैं उनकी बहुत कम काम मिलता है. अब अगर हम क्रॉस द बॉर्डर देखते हैं तो दिलीप साहब को देख लें, उन्होंने इतना लंबा कैरियर 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, मरने से पहले अगर 30 साल देखें तो फिल्मी नहीं की, नहीं की, लेकिन स्टार ही रहे आज तक. 65 फिल्में थी यार, 65 फिल्में, सिर्फ 65 फिल्म. बाकी बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने 100 से ऊपर भी किए, आज भी स्टार है, उनका भी एक लंबा करियर, लेकिन सिलेक्शन ऑफ वर्क जो है वो इम्पोर्टेंट है. तो हम ये करें कि यार मतलब अगर अच्छा काम करना है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी. अच्छा, और मैंने इनके साथ काम करते चीज नोट की, अच्छा भाई बड़े पिकी हैं. उस जमाने में इनके पास एक ऑफर आई हुई थी, उन्होंने उसे हम लोग मैं श्याम भाई वहाज हम साथ बैठे हुए थे, हमारा शॉट नहीं है, तो इन्होंने डिस्कस किया कि यार ये चीज़ है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ या ना करूँ, और उसके बरक्स जिन्होंने मुझे नाम बताया, मैंने कहा श्याम भाई आप सोच क्यों रहे हैं, तो मैंने एक्साइटेड होकर नाम सुन, मैंने कहा करें, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, मुझे मैं बता रहा हूँ चीज़ें सीखी, उन्होंने कहा कि मैं सोचूंगा देखूंगा कि अच्छा क्या है फिर मैं डिस्कशन करूंगा. अच्छा इतना भाई ये कितना मुश्किल है काम, बिकॉज आप एक्टिंग भी करते हैं और आप डायरेक्शन भी करते हैं, दोनों में आपके पास स्क्रिप्ट आती हैं, तो ज़्यादा प्रोसेस आप एक्टिंग वाली स्क्रिप्ट पिक करने में लगाते हैं या डायरेक्शन वाली, या दोनों में ही लगाते हैं बराबर? स्क्रिप्ट
अच्छा होगा ना तो आपको पहले चार पेज से ही अंदाजा हो जाए। अच्छा हाँ, लेकिन एग्जाम में उसके लिए वो नजर भी तो हो ना। नहीं नजर नहीं, नजर तो सबको आता है। हाँ मतलब नजर से मुराद मेरी ये है कि जैसे उमूमन स्क्रिप्ट आते हैं जी, तो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे एक मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक हमारे बड़े सीजन डायरेक्टर हमारे दोस्त भी, और वो बड़ी उलझते हैं कि यार यार क्या स्क्रिप्ट है यार। तो एक दिन वो पढ़ रहे थे स्क्रिप्ट बैठ के, तो मैं जैसे दाखिल हुआ तो मैंने कहा हाँ नया प्रोजेक्ट मेरा पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा पहला सीन बताऊँ? तो कहने के उन्होंने पढ़ा है क्या? मैंने कहा नहीं मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पहला सीन बताऊँ? कहने के हाँ बताओ। मैंने कहा सब पर्दे हट रहे हैं, सूरज आ रहा है अंदर, एक लड़की सो रही है, एक फ्रैंक पैन में अंडा तला जा रहा है, एक कह रहे यार यही था यही है। तो वो एक नॉर्म सेट हो गया ना, लोगों ने डायलॉग्स भी सेट करके रखे जी कि एक इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यही होगा। आप फ्रेश होकर आ जाए मैं चाय बनाती हूँ। इस टोन की बात है। तो कहने की बात यह कि लोग तजुर्बा नहीं करते, और कौन नहीं करना चाहता? हमारे जितने भी राइटर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि नया काम करें, तो कहीं ना कहीं से कोई कदगन लगाई जाती है कि यार ये सही राइट करते हैं। कहानी सुनाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। चैनल्स के पास कोई रास्ता नहीं है। चैनल ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि चैनल का कसूर है किसी का, बात ये है कि कहानी सुनाना मुश्किल हो गई। आप कहानी सुनाने जाते हैं, आपकी कहानी लड़ती है किसी न किसी से, किसी ग्रुप से लड़ेगी, किसी स्टैबलिशमेंट से लड़ेगी, आपके किसी ना किसी टॉपिक होगा जिससे कोई भी टॉपिक कहीं ना कहीं तजाद, कहीं ना कहीं तजाद है। तो वो डर जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि यार यही है घर में, लड़ाई कर लो या कोई ऐसा चक्कर चला लो। तो वो उसमें जो है बचत है, क्योंकि वहाँ फिर वो मसला कोई मसाइल नहीं होते। तो हम लेकिन हमने छोटी कहानियाँ सुनाना छोड़ दी, लंबी लंबी हम उस पर चले जाते हैं, उसमें क्या स्ट्रेच आउट होती है। तो जब कहानी स्ट्रेच आउट हो गई तो होता ये है कि अगर अच्छी कहानी दी है तो शुरू की चार एपिसोड पे आपको, जिसे आप चैनल समझता है कि रेटिंग आ रही है, जैसे मार्केटिंग वाले समझते हैं कि भाई ये अच्छा प्रोजेक्ट है, तो चार एपिसोड के बाद अगली चार या छः एपिसोड बैठे, फिर अगली चार आखिरी वाली छह फिर उठती है। मैं कहता हूँ यार ये बीच का चंग निकाल के फेंक दो, ये दोनों क्यों रखा है? आठ से दस, दस से ज़्यादा 15 एपिसोड आप रखें। अगर अच्छी कहानी आप बुन ली है आपने तो आप 15 से 16 एपिसोड, हाँ लेस इज मोर, ठीक है। और आजकल तो वैसे भी आप क्रिकेट की आप लोग बात कर रहे हैं, शुरू में तो क्रिकेट पहले 5 दिन की होती थी ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उसके बाद वो एक वनडे पे आ गई, अब वनडे का भी टाइम, तो अब उन्होंने T20 कर, T20 भी आ गई, T10 भी आ गई। तो वो कहने की बात ये है कि आप जो चीज़ तेजी से दिखाएंगे तो आप सिंगल स्टोरीज को भी टाइम दें, उससे होता होगा ये कहानी डेवलप होगी। और कहानी को बनाने की ज़रूरत है अभी, कहानियाँ एक ही सर्कल में मूव करना शुरू हो गई हैं, जिसका ना कोई फायदा है ना नुकसान है। जैसे हमारे एक बड़े एक स्टैटिक हो, हाँ एक 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 उसमें घूम रहे हम लोग, जबकि कहानी तो एक यानी जो मिथ है या जो कहानी है वो कहानी तो आपके जो है डोर ओपनर है यूनिवर्स का, कि जहाँ आप कहते हैं कि यार ये कहानी ही हमें तरक्की की मंजिल तय करा रही, यानी एक कहानी है कि जिसमें कारपेट उड़ता हुआ लेके जा रहा है किसी को, तो कहानी जब बुनी गई तो फिर लोगों ने ख्वाब देखना शुरू किया कि यार हवा में उड़ा जा सकता है, और फिर जहाज बना। बिल्कुल, ये बड़ी कहानियां होती हैं वो तकय्युल से ही बनती हैं, और तकय्युल से ही तरक्की जुड़ी हुई है। तो हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, नहीं हम रुक गए हैं, क्योंकि हमने तकय्युल पे भी दरासा तदगन लगाई हुई है, लोगों को उस तरह सोचने नहीं दे रहे। बेशुमार कहानियां पड़ी हुई उनके ऊपर काम होना चाहिए, काम नहीं होता। अरे सर ये मैंने सुना है एक ये चीज़ के, मैं दो ऐसे एक लड़के लड़की को जानता हूँ जो कहते हैं यार हम एक राइटर के अंडर काम करते हैं और हमारा जो स्क्रिप्ट है वो उस जिनके अंडर हम काम करते हैं उनके नाम से आगे जाता है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती या हजम नहीं होती कि ये क्या, ये कैसी बात है कि अगर मेरा नाम बन गया है तो मैं अपने साथ 3 नीचे बच्चों को मैंने रख लिया है, वो जो भी लिखते हैं मैं उस पर आखिर में अपना सिग्नेचर करता हूँ और जाके देता हूँ, और प्रोडक्शन हाउस से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ भाई सलमान साहब ने लिखा है तो ये तो जबरदस्ती हो गया, हालांकि सलमान साहब को पता भी नहीं उसमें क्या हो रहा है। तो हाँ, ये क्या चक्कर है, ये सही है चक्कर? नहीं देखिए, अगर अगर मुआहदा पहले से डिसाइडेड है तो ये कोई बुरी बात नहीं। देखिए राइटिंग है ना वो बड़ा एक ऐसा काम है जो आपका जिसे कहते हैं कि एक राइटर की जिंदगी में ख्याल है 10-12 साल इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी में से जो जूस है वो निकलता है, जो वो एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो वक्त से ज़रा सा पीछे हो जाते हैं क्योंकि नए लोग आ जाते हैं, नई कहानियाँ होती हैं, नया,
उनके बच्चे जो है ना वो उनका ताल्लुक तो अगले दौर से है, तो वो हम उसकी बात करते हैं। तो राइटर अगर किसी कुछ लोगों के साथ काम कर रहे हैं ठीक है, तो ठीक है, प्रेस में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग मिलके काम करते हैं हाँ। और फिर नाम जो है वो या तो उस ग्रुप का जाता है या सीनियर मोस्ट होता है, सीनियर मोस्ट का जाता है, या अगर मुआहदे में ऐसा है कि आप मुझे असिस्ट करेंगे नाम तो जाहिर है मैं प्रोजेक्ट मेरा है तो वो करेंगे हाँ। तो वो रख सकते हैं, ऐसा ऐसा कोई मुलायका नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा अगर हो रहा है कि किसी ने किसी से कहानी लिखवा के अपने नाम छपवाई वो गलत हो रहा है, वो पहले से डिसाइडेड नहीं है। बाहर तो ये कि फैन फिक्शन भी होता है, बिल्कुल है, जैसे अगर कोई सीरीज मकबूल हो गई है तो वो कहते हैं कि अब चूंकि राइटर्स के पास से वो चीज़ निकल नहीं रही है, उसके दो तीन सीजन हो गए हैं, क्योंकि टोटल डिफरेंट एक वो बॉल गेम है ना जो आप टेलीविजन के लिए लिखते हैं, उसमें आपको रोजाना एक चीज़ देना है या आपको हर हफ्ते एक चीज़ देनी है और उसके सीजन दर सीजन बढ़े जा रहे हैं। जैसे आप नेटफ्लिक्स वगैरह भी आप देखते हैं कि इस तरह की चीज़ आ रही है, एक राइटर के बस की तो चीज़ नहीं है, वो एक ख्याल किसी का हो सकता है, उसके बाद उस ख्याल के ऊपर कई लोग मुख्तलिफ लोग जो हैं उनको काम कर सकते हैं, उनके पास में भी जब ख़त्म हो जाता है तो वो कहते हैं फैन फिक्शन। फैन फिक्शन ये कि कैरेक्टर्स तो यही मौजूद है जी, ये आदि साहब हैं, ये फैजान साहब हैं। अब फैजान साहब और आदि साहब ये बड़े अच्छे लगते हैं हमको हाँ। लेकिन अब रोज़ाना आके आदि और फैजान साहब ने वो बातें वही हो गई हैं हाँ। तो अब उनको क्या किया जाए, वो कहते हैं भाई फैन आप बताइए इस एपिसोड में आप समझ क्या कर। तो वो फैंस जो हैं वो अपना फिक्शन जमा कराते हैं और उसके बाद फिर ये होता है कि वो उसमें से जो सिलेक्ट होती है उसको वो पे करते हैं आगे करते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक पैनल ऑफ राइटर्स होता है, वो पैनल ऑफ राइटर्स जो है वो काम कर रहे होते हैं कि 12 लोग हैं, 12 लोग जो हैं, जैसे आप लोगों का एक सिटकॉम बड़ा मजे का था जी रेडी स्टडी गो की 100 एपिसोड हो। अब उसके बाद बोले क्या करें यार, मतलब किससे लिखवाएं, हो गया अब तो हमने कर लिया, क्या करें, पैनल ऑफ राइटर पता है कैरेक्टर तो आदि और फैजान ही, वो पैनल ऑफ राइटर्स जो है वो करेंगे ठीक है वो आपको 12 एपिसोड मिल जाएंगे एवरी वीक के लिए, 12 में से आप बोलेंगे बेस्ट ही वाली है, बाकी किल्फी देंगे आप, देखें वहाँ पे ज्यादती नहीं होती किसी के साथ, यहाँ पे ज्यादती हो तो हमको जरा सा उसको ठीक करना है, अगर वो चीजें ठीक हो जाएगी तो हमारे पास बहुत कुछ है बल्कि हम उड़ा सकते हैं, ये मैं कह दूँ हम लोग उड़ा सकते हैं सबको आगे पीछे, जितने भी लोग समझते हैं कि हमारा ड्रामा बाहर जो है जितना मकबूल है, मैं समझता हूँ लोगों का सिनेमा मकबूल है, उसमें हमारे जो माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो बाहर उनकी ऐसी वो है जैसे फिल्म स्टार्स की, तो अब फिल्म भी आहिस्ता माशाल्लाह आगे आ रही, लेकिन चीज़ें ज़रा सा नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, खींचत आने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम चीज़ें अगर हम लोग सोच लें समझ लें तो मेरे ख्याल है रास्ते खुले। अगला सवाल मेरा यही था कि ये जो खींचत आने वाला मसला है हमारे, ये हम सब साथ जुड़ के काम करने में क्या मसला है, क्योंकि लोग सुना है मैंने कि लोग कहते हैं कि जी ये एक्टर या ये डायरेक्टर स्पेसिफिकली इस चैनल के लिए है, ये लोग जो हैं ये इसके लिए, ऐसा क्यों है, हम खुले फील्ड में क्यों नहीं काम कर सकते। खुले फील्ड में काम कर सकते हैं अगर आपने पेरोल पे नहीं है किसी, अगर आप पेरोल पे हैं तो जाहिर है आपने उस जगह पे नौकरी की है, लेकिन वैसे भी अगर आप देखें तो इसमें कोई मुजायका नहीं, यू हैव टू बिल्ड योर ओन प्लान, आप जिनके साथ कंफर्टेबल होते हैं आप उनके साथ काम कर रहे हो, सही ठीक है ना, उसमें ये खींचतानी मैं समझता हूँ कि सबसे जो अव्वलीन चीज़ है ना वो हमको एज ए नेशन सोचनी चाहिए कि हमने, जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें वो क्यों हर जगह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, वजह कि उनका एक स्लोगन है, दे हैव अ स्लोगन, वो कहते हैं शाइन इंडिया, वो पूरी दुनिया में उसको लेके जाते हैं शाइन इंडिया के थ्रू, और वो कहते हैं हम इंडियंस हैं, हम ये हैं, हम अपने बराबर में ही बात करें, जब आप फिल्मों की बात करते हैं, जब आप दूसरी चीज़ों की बात करें तो आप उनकी वो वाली भी बात करें, बिल्कुल, तो हमारे पास ये कमी है, हम पाकिस्तान को उस तरह से लेके नहीं जाते, हम सेपरेटली जाना चाहते हैं, हम इंडिविजुअली जाना चाहते हैं। देखिए इदारों को मजबूत करना बहुत अच्छी बात है, उससे इदारे जब मजबूत होते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, बिल्कुल सही, और इंडिविजुअल की कोई हैसियत नहीं इदारे की हैसियत, बिल्कुल, क्योंकि आपने चले जाना है, बिल्कुल, के बाद आप चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो चाहे वो चैनल हो, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक चीज तरक्की करे जब तक कि साइमल्टेनियसली सारी चीजें तरक्की ना करें, बिल्कुल सही, ठीक है, अगर आप ये कहेंगे ना हमारी फिल्म बहुत तरक्की कर गई है, झूठ है, अगर आप कहेंगे हमारा थिएटर बड़ा तरक्की कर गया है, झूठ है, आप बोलेंगे टेलीविजन तरक्की कर गया है, झूठ है, वजह उसकी ये है कि जब तक हमारी इकोनॉमी तरक्की नहीं करेगी, जब तक हमारी एजुकेशन तरक्की नहीं करेगी, जब तक हमारे मेडिसिन हमारी R&D हमारा जो भी शोबे हैं दुनिया भर के जो शोबे
किसी उसमें होते हैं वो एक साथ जब तरक्की करते हैं तो ये आर्ट साइंस ये सब कुछ तरक्की करते हैं, तो हमें सब जगहों पे एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और ये अगली जनरेशन करेगी सर इंशाल्लाह। ये करेगी, तुम नहीं जाके किसी का हाथ पकड़ लेना, वो नहीं कह रहे। अच्छा मैं तो पकड़ लेता हूँ, ये बड़ा मसला है, गलत बात है। एक सवाल सर मुझे ऐसी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वही सवाल मुझे आपसे पूछना है, ये जो आखिरी एपिसोड सिनेमा में चलता है ये क्या एक ड्रामे की नई चीज आने लगी है? शायद मैं जाहिल हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अक्सर मैं देख रहा हूँ कि जी जो ड्रामा बहुत हिट हो रहा होता है उसका आखिरी एपिसोड सिनेमा में चलता है। आखिरी एपिसोड देखिए, मार्केटिंग है ना, अब वो उनके मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से इसको बड़ा किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र देखी जाए। बिल्कुल, तो उसमें ये नहीं है कि कोई ड्रामे का आखिरी एपिसोड, अच्छी बात है यार, मैं समझता हूँ। देखो सिनेमा हमारे पास वो अच्छा, मेरा कोई अभी अभी तक आखिरी एपिसोड किसी भी ड्रामे नहीं चला, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं। हाँ बिल्कुल, वजह उसकी है, देखो कोविड टाइम्स ने तो एक अजीबो गरीब दुनिया बना दी है, हमारे पास सिनेमा वैसे ही नहीं। बिल्कुल, हमारे पास फिल्में बनी, अच्छा वो जो कोविड टाइम था उसमें वो जो 8 फिल्में थी वो अब 16 के करीब, बिल्कुल ऐसी, क्योंकि जो बन रही थी वो भी बनकर तैयार हो गई है, जो पहले की बनी हुई वो भी तैयार है, सिनेमा कम हो गए कोविड टाइम में और कम हो गए, स्क्रीन ही बंद हो गई, क्या करेंगे, सिनेमा कैसे चले, और सिनेमा चलाने के लिए वो पैसे इतने मांगते हैं, लोग ही नहीं आ सकते। बिल्कुल, सिनेमा मासेस की चीज़ है, हमारे पास वो सिंगल सिनेमा वाले दौर में सारे शॉपिंग प्लाजा बन गए, सिनेमा हमारा बंद हो गया, कुछ जला दिए गए, अजीब व गरीब बातें हुई हैं हमारे पास, हमने तो खुद ही अपने हाथों से ना, तो वो सिनेमा नहीं है, अब सिनेमा को चलाएं कैसे, चलाएं किस तरह से, ये कल्चर चलता रहे, सिनेमा एक ऐसा कल्चर है कि जो जहाँ सब लोग साथ बैठ कर इंजॉय करते हैं, एक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस बिल्कुल वो ख़त्म हो नहीं सकता, पूरी दुनिया में अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, अगर आप बोलते हैं कि मैं नेटफ्लिक्स पे देख लेता हूँ, मैं ये देख जी, लेकिन वो आपका नहीं कि आप किसी अनजान आदमी के साथ एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, वो एक अजीब सा एक्सपीरियंस है, अंधेरे में आपको बैठ के आपने एक चीज़ को पूरे फोकस के साथ देखा तो आप एक अलग दुनिया में, यहाँ तो आप चाय भी आ रही है ना आपकी तो दरवाजे पे भी कोई आ गया है या बीच में उसको वो फोकस नहीं, हमारे पास इश्तहार इतने चलते हैं कि वो कहते हैं ना कि वो एक चूरन वाला जो है वो लगाता रश और वो रश लगाने के बाद वो बंदर को नचाता है और वो कहता है जब बंदर नाच लेता है तो फिर वो कहता है लो भाई अब मैं बेचता हूँ चूरन, फिर वो लोगों को जो जमा हो जाते हैं उनको वो कहता है कि ये चूरन है या दवाई है या कुछ है। हमारे यहाँ ड्रामे की स्टोरी इतनी मजे का ग्राफ चल रहा है, हम अभी नचाना शुरू ही कर रहे होते हैं कि एकदम बीच में वो कहता है ये लो सामान खरीदो और फिर उसके बाद वो रोक देते हैं नाच को, तो ये तरीक़ेकार को भी ज़रा वजह करने की ज़रूरत है क्योंकि बाद स्टोरीज जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि फिर अगर आपने यही भाई टेलीविजन पे भी तो दिखाना ही ना लोगों को, बिल्कुल, या टेलीविजन बंद कर दे सिर्फ यूट्यूब पे रिलीज करें, सही बात है क्योंकि मिलियन मिलियन व्यूज वहां भी होते हैं, बिल्कुल, लेकिन टेलीविजन पे इतने इश्तिहार बाज दफा किसी नैरेटिव को खराब कर रहा है, और जो फोकस है वो खराब हो रहा होता है, उसको क्या करें कि जैसे बेस्ट करता है वन ब्रेक मूवी जी बिल्कुल, आप पहले दिखा दो या आप ऐसा करो आखिर में दिखा दो, कुछ करो इसके लिए भी कुछ करो, मैं ये कहता कि इसमें मार्केटिंग बहुत जरूरी है, उसी से क्योंकि आप फ्री में दे रहे हो सब कुछ तो उसको आपको पैसे भी आने हैं, फिर उसको पैसे भी जाने हैं, फिर एक्टर को भी पैसे जाने हैं, एक चेन जुड़ी हुई है, लेकिन क्या वो कहानी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो किस्सा सुनाया जा रहा है क्या उससे कोई काम लेना चाह रहे हैं आप, तो मेरा ख्याल है नहीं लेना चाह रहे, अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप ये हरकत कर रहे हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि आप अपने नैरेटिव से जब तक के दिल से साथ नहीं होंगे ना उसके कि यार ये मुझे काम करना है और ये मैं अपने लोगों के लिए करूँ, ये कहानी में सुनाऊंगा इससे शायद कुछ जिंदगियां तब्दील हो जाए, कुछ बदल जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कहानी में मैसेज होना जरूरी है, भाई कहानी तो कहानी होती है उसको एंटरटेन भी करें, पकड़ उससे बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के साथ रिलेट कर रहे होते हैं और उस कहानी का कोई एक हिस्सा भी यहाँ रह जाता है ना तो वो जिंदगी तब्दील कर देता है। एग्जाम्पल बताएं, आपने तीनों मीडियम्स में काम किया है, थिएटर भी किया, फिल्म भी किया, टीवी भी, तीनों मीडियम्स में बड़ा फर्क है, आप सबसे ज्यादा इंजॉय कौन सा करते हैं? यार थिएटर एक ऐसी चीज है कि जो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ सजेशन पे काम करो, यू डोंट हैव अ सेट बिहाइंड यू, आपके पास कोई सेट नहीं लगा हुआ, सिर्फ ब्लैक वॉल्स है, लेकिन अगर आपने बॉडी लैंग्वेज के साथ एक चीज की है तो जो सामने बैठे हैं उनको नजर आना चाहिए, उनको नजर आना चाहिए और फिर इंटरेक्शन और
with the audience. और फिर उसके बाद जब वो आप वो जो मैं कह रहा हूँ ना प्लेजर, तो आपकी जो मेहनत है ना जिसके आपके थोड़े बहुत पैसे मिले, थिएटर में तो बहुत कम पैसे, कि आप डेली जा रहे हैं, आप कोई 20 दिन 25 दिन महीना भर आप रिहर्स कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत छोटा सा अमाउंट मिलता है जो आपके किराए में निकल जाता है, मेरे ख्याल है चाय वाय पी लेते हैं आप निकल जाते हैं, लेकिन वो जो प्लेजर है ना जब आप खड़े होते हैं और आप क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो आप मैसेंजर का काम है, आप खड़े हैं और बाकी लोग आपको देख रहे हैं, अगर आपने कुछ मैसेज कन्वे कर दिया ना उनको, आपको नजर आ रहा होता है कि यार किसके पास देख रहे हैं, क्योंकि हम भी सिलेक्ट कर लेते हैं ना वहाँ पे जी जी जी, कि हमारे पास हमारे उस्ताद थे उन्होंने मुझको बताया, वो आए थे जर्मनी से, उन्होंने थिएटर प्ले किया था यहाँ, नेथन द वाइस हमने किया तहरीक रिस्वा के, उन्होंने कहा कि आप चार लोगों को सिलेक्ट कर लें मुख्तलिफ एज ग्रुप, और फिर वो आप उनकी आंखों में देखें, समझे आप पूरे हॉल को बिल्कुल, तो आप कोशिश करते हैं कि अगर आप कोई मोनोलॉग कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं तो आप उन्हीं को देखें, उन्हीं को देखें, वो एक अजीब सा, अच्छा और फिर एवरी डे सिचुएशन दूसरी है, कोई आपको ये पीछे आपको ट्रस्ट करना है कि आपके साथ वाले एक्टर्स ने वक्त पे सारी चीज़ें करें, टाइमिंग का ख्याल रखना, कोई गलती की गुंजाइश तो है, उसमें जो मज़ा है ना वो किसी भी फॉर्म में नहीं, मतलब फिल्म में भी एक मज़ा होता है, एक बड़ा सेटअप है फिल्म का भी अपना, लेकिन वो जो इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स है ना, तो और उसका डर भी है अक्सर, वो सेम लाइन, वो जो फियर है ना, हाँ वो जो स्टेज फ्राइट जिसे कहते हैं, वो आप जैसे पहला कदम रखते हैं ना तो आप डरते भी रहते बिल्कुल है, और पीछे जब आप वर्क कर रहे होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि आप तरफ पीछे विंग्स हैं और सारी चीज़ें हैं, प्रॉप्स हैं, एवरी थिंग शुड बी ऑन प्लेस, वहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से उठाना है मुझे, यहाँ से अंदर रख, बिल्कुल उस दफ़ा यहाँ से ज़रा सा भी कहीं मिस मैच हो गया तो आपकी एंट्री गलत हो सकती है, और अंधेरे में ही काम करना है, बहुत कम लाइट्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सामान भी पीछे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप अंदर एंटर होते हैं, तो ये बहुत एक मज़े का प्रोसेस है, तो मैं समझता हूँ थिएटर जो है वो जो एक्टिंग करना चाहते हैं वो इस एक्सपीरियंस को किए बगैर, मैं समझता हूँ कि उनका वो एक्सपीरियंस अधूरा है जो वो टीवी पे कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि टीवी इज एक्चुअली टेक्निक, थिएटर इज एक्चुअली आपकी पूरी बॉडी के साथ आप आ रहे हैं, टेलीविजन इज ऑल टेक्निक, आपको जब पता चल गई टेक्निक तो आपका बहुत ऐसा काम हो गया कि आपको पता है कि कैमरा अगर इधर लगा हुआ है या अगर फ्रंट पे लगा हुआ है, दो लोग इधर उधर हैं, मैं सिर्फ अपनी आँख को, नहीं मैं अपनी आँख को ही चेंज कर रहा हूँ ना यार, मैं बैठा हुआ मैं आदि को भी देख रहा हूँ, मैं आपको भी देख रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ ना, मतलब तो वो ये आपको कैमरे के साथ खेलना है, तो कैमरा टेक्निक है फिल्म का अपना, फिल्म इन दोनों के दरमियान की चीज है, क्योंकि फ्रेम बड़ा हो जाता है तो आपको बॉडी के साथ आना, टेलीविजन तो मीडियम ही इतना है, आप कहीं भी से घूम के आएंगे आपको आना तो इतना इतना, मैं कोशिश करता हूँ टेलीविजन के लिए जो चीज़ करूँ तो वो 14 इंच का हिसाब करके बहुत लंबे शॉट ना बनाओ तो नजर ही ना आए, अब शायद टीवी का साइज बड़ा बड़े हो गए, शुरू में तो हम ये करते थे कि हमने जहन में रखा हुआ 14 इंच ताकि जो 14 इंच के उसको नजर आए, उसको सही मिल जाए, इतना बड़ा शॉट अगर ले तो भाई हाँ ये गाड़ी आई ये घर के दरवाजे पर खड़ी, उसको और खोलने की जरूरत नहीं है, उसको और ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, वो क्या देखेगा वो। हाँ भाई रिसेंटली प्रोडक्शन में भी इत्तेफाक हुआ आने का, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो, क्योंकि उसने जो प्रोजेक्ट आपने किया वो तो माशाल्लाह बेहतरीन, लोगों को बहुत पसंद आया और बड़ा मजा आया लोगों को देख के, हाँ जरा मुझे बताएं क्या कैसे फील, एक और नया काम करते थे नहीं प्रोडक्शन में से, मैं इससे पहले भी जब हम मैं इस फील्ड में आया था तो एक्चुअली मैं स्वीसदन गैस कंपनी में जॉब करता था, जी 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 मुझे मालूम, और मैं 2006 में वहाँ से रिजाइन इसलिए किया था कि मैंने एक अदारा बनाया था बियॉन्ड बॉर्डर्स के नाम, तो बियॉन्ड बॉर्डर में खालिद अहमद साहब मेरे उस्ताद हैं, जिसमें खानदान शुक्लिया भी, ये खानदान शुक्लिया उसी का था, परफ्यूम चौक उससे हमने किया और कई अपने फिल्में भी उससे की जो छोटी छोटी जो सिंगल हमने कोशिश की कि उसको वैसे ले जाए, कुछ जैसे शोज किए, तो वो करने के लिए जब आया तो मैं वहाँ पे मैं प्रोडक्शन भी देखता था और डायरेक्ट भी करता था और कंटेंट भी देखता था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ की, तो वो एक्सपीरियंस तो रहा कि भाई प्रोडक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है कि जब आप डायरेक्ट भी करते हैं और प्रोडक्शन को भी देख रहे होते हैं सारी चीज़ें, एज ए प्रोड्यूसर भी आप काम कर रहे हैं, हेड ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, तो जब उसके बाद फिर जाहिर है काम करते रहे मुख्तलिफ, और मैंने बहुत कम काम किया, इतना ज़्यादा काम मेरा नहीं है, मेरे ख्याल अब तक 5 सीरियल मैंने किए,
वो और वो सारे हम टेलीविजन पे चले। क्योंकि सुल्ताना पापा उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि वो इंडस्ट्री को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो शुरू दिन से जब ये हम टेलीविजन उन्होंने बनाया तो हमने उनसे पहले उनके साथ काम किया था जब वो मूमल प्रोडक्शन चला, तो उनके लिए जब काम करते थे फिर बाद में हम टेलीविजन आया तो हमने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। हम उस वक्त ईटीवी एकेडमी से हम ट्रेनिंग करके आए थे 97 में, तो उसके बाद हमारे पास काम नहीं था, हम तो छोटी छोटी चीज़ें करते थे। और पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन में जाना घुसना इतने दिग्गज लोगों के सामने वो बड़ा टास्क मुश्किल है। तो वहाँ तो ऐसा था कि वहाँ नौकरी होती थी तो आप डायरेक्टर होते थे, तो ये तो तस्वूर ही नहीं था कि हम कुछ ऐसा, तो हम प्राइवेट प्रोडक्शन की तरफ ही देख रहे थे। तो गज़नफर अली साहब सैल्यूट अगेन, इतनी पूरी इंडस्ट्री खड़ी है उनकी वजह से। वो लोग थे जिन्होंने ये शुरू किया कि जो प्राइवेट प्रोडक्शन करने लगे, सुल्ताना हो गई। तो वहाँ कुछ ऐसा था कि हमको थोड़ा सा आसरा था कि यहाँ मिल जाता, इंडस आया तो हमने लिखना शुरू कर दिया, फिर हम आया तो हमको डायरेक्शन मिल गई, हमने छोटी छोटी डायरेक्ट करना शुरू किया। इसी तरह से हम करते रहे, तो हम प्रोडक्शन देखी भी बियॉन्ड बॉर्डर्स के ज़माने में। अभी कोविड टाइम्स में जनाब ये हुआ कि हम बैठे, हमने कहा कि यार एक चीज़ डिज़ाइन करते हैं और थोड़ा सोचते हैं तो कैसे इसको वो करें। तो हमने कुछ नए आइडियाज़ पे काम करना शुरू किया, उसको पहुँचाने की कोशिश की। तो हमने ख्याल आया कि प्रोडक्शन हाउस ही बनाना पड़ेगा वरना ये कोई लेगा नहीं। हाँ। सही। ऐसा आपका जो आइडिया है ये किसी को हज़म होगा नहीं। हाँ। तो या तो हिम्मत करें, खुद ही से कुछ करें। तो फिर बिलाल अशरफ और मैंने सोचा कि बीहाइव के नाम से कंपनी है बनाते हैं और उसमें हम कुछ ज़रा सा थोड़ा सा डिफरेंटली हैंडल करेंगे, कोशिश करेंगे कि नॉर्मल से हट के। बाद में काम आता है तो ठीक है, कंपनी को आप चलाने के लिए आप मुख्तलिफ चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन उसका एक ख़ास फ्लेवर वो ये होगा कि हम शुरू करते हैं कुछ इस तरह के काम। तो हमें फिर एक प्रोजेक्ट ये वाला करने का इत्तेफाक हुआ जो कि अभी रिसेंटली आप देखा है चैनल पर। तो 4 एपिसोड का एक सीज़न हमने उसका एक ही सीन मतलब वो है, वो 4 मिनी सीरीज़ के नाम जी 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 हमने वो किया और उसको प्रेजेंट किया। तो वो थोड़ा सा मौजूद उसका क्योंकि वो ढाका फॉल के तनाजर में था, तो शायद उसकी ऑडियंस अभी मैं समझता हूँ कि चूँकि एक ड्राई सा सब्जेक्ट था, थोड़ा हिस्टोरिक था, तो लेकिन जिसने देखा उन्होंने कहा बहुत पसंद किया। कम अज़ कम उसमें ये था कि हमने थोड़ा सा उसके अंदर ऐसी कोशिश की कि पहली मरतबा हमने नमोफिक में लेंस पे शूट किया, उसको ज़रा सा लेवल ज़रा सा हमने कहा कि हम अपना लेवल थोड़ा सा बड़ा करते हैं प्रोडक्शन उसके हवाले से। तो उसमें कहाँ तक कामयाब हुए तो लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, अच्छा ही किया। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है। अब मुझे बताएं हम इसमें और क्या देखेंगे। एक कहानी है आपके पास जो आपने बहुत पहले लिखी थी और अभी तक आपने नहीं मार्केट को दी। हाँ, मैंने मार्केट को नहीं दी, मार्केट को मैंने दी, ठीक है, और बड़े खुलूस से दी। सही। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हो सके। हाँ। तो वो कहानी है, वो तो एक एक फिल्म की है और ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मौजूद है, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया। अच्छा, जब हमने काम शुरू किया था तो हमने इस तरह के प्लेस करने शुरू किए थे, जैसे मेरी पहली फिल्म की थी वो शाहरुख खान की मौत, जी, वो आपके TV1 पे ही चली। जी जी, एब्सोल्युटली। हाँ, तो वो 9 फेस्टिवल्स किए थे उस। तो वो मैं जब सुइसाइड गैस कंपनी में जॉब कर रहा था, मैंने वो एक फिल्म लिख ली थी जो कि मैंने सुनाई सबसे पहले ज़ेबा बख्तियार साहब। उन्होंने कहा, मुझे कहा कि तुम सुना जिस तरह रहे हो, तुम किसी को डायरेक्ट करने मत देना, खुद ही करना, ये तुम खुद ही करो। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, कह लेंगे बिल्कुल, तुमसे अच्छा कोई नहीं करेगा। तो ये पहला जो मेरे जहन में ये चीज़ डाली वो मैं समझता हूँ ज़ेबा बख्तियार साहब। वाह। उन्होंने कहा था मुझे ये करना है खुद ही, क्योंकि वो उस ज़माने में करती थी प्रोडक्शन। मैंने उनको एक कहानी सुनाई। उसके बाद फिर वो खैर वो हुआ, तो फिर अर्जुमन रहीम ने ये कहानी कह रही है मेरा प्रोडक्शन हाउस। तो पहला जो कैमरा खुला था वहाँ पे आर्ट रिपब्लिक के किदारा था, क्योंकि इसी चैनल को सर्व करते थे। अर्जुमन ने वो प्रोड्यूस की थी और हमने बहुत छोटे से बजट में फिल्म की थी जिसमें ज़्यादातर नए बच्चे थे और कुछ आज के सीज़न और उस वक्त के भी ज़ाहिर थिएटर के दिग्गज लोग थे, सलीम मिराज और राशिद फारूक और सैफ, ये सब उसमें थे। उनको पिलर्स बना के बच्चों के साथ एक फिल्म बनाई। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ मैं करना चाहता था, मैंने किया। फिर एक और की थी मैंने, गार्सिया की कहानी थी, मैं 5:15 बजे आई थी, वो भी फेस्टिवल्स में गई, वो ईरान भी गई, और वो डाइवर्सिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड लो बजट फिल्म मेकिंग के हवाले से
वहाँ एक कोर्स था तो उसमें भी उन्होंने चलाया इंडिया में। तो ये इस तरह से हम चाहते थे कि इस तरह काम करें, लेकिन उसकी जगह थी नहीं। तो फिर हमने कहा कि आप कैसे, हम तो जॉब छोड़ चुके हैं अब क्या करना है, किचन चलाना है ना तो अब क्या, फिर देखना पड़ता है बैलेंस कि जहाँ मैं अपना काम भी कर जाऊँ और जहाँ मैं सर्व भी कर दूँ जो मांग रहे हैं। तो आपने कहा कि शाहरुख खान की मौत कर दो, तो नहीं शाहरुख खान की मौत तो पहले हो गई थी। अच्छा, ठीक। उसके बाद जो मैं इस तरह की फिल्में कर रहा था, तो फिर जब मैं सीरियल, मैंने टेलीविजन सीरियल तो मैंने 2013 में पहला आके किया था असीरजादी जी, उससे पहले तक तो मेरी सारी शॉर्ट फिल्म्स और ये जो डेढ़ घंटे वाली टेलीफिल्म्स और ये जो परफ्यूम चौक और खानदानी शिफ्ट इस टाइप की चीजें थी। तो असीरजादी जब मैंने किया तो मैंने कहा कि भाई आप इसको जरा सा चैनल की भी जरूरत को महसूस करें और अपना काम भी करें कि उसके अंदर के ऊपर काम करें। फिर उसके बाद के तुम्हारे फिर वो उड़ारी और फिर आंगन और ये। तो एग्जाम भाई अब ये वक्त, जैसे आपने अब वो वक्त आ गया है कि वो चीजें की जाएं, क्योंकि अब तो शॉर्ट फिल्म्स भी और शॉर्ट सीरीज भी बहुत, तो कब हम देख सकते हैं वो चीजें वो जो आपके पास जल्दी सब संभाल के रखा हुआ है? नहीं इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इसी सफर के दौरान में पहले मैं खुद लिखता था, क्योंकि मैं समझता था कि शायद मैं खुद ही लिख लूंगा तो ज्यादा अच्छा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो लिख लूंगा। फिर मैंने देखा कि कुछ अच्छे राइटर्स मेरे आसपास ही, तो मैंने वो कुएं बंद कर दिए। मैंने कहा तेल बाद में निकलेगा, तेल निकल जाता है बहुत। आप बहुत यानी लिखना बहुत मुश्किल, आपने कहा तेल बंद करो, तो मैंने कहा आपने कुएं बंद करो, अभी दूसरे कुएं से तेल हासिल करते हैं। तो फिर मैंने फिर लिखना, मुस्तफ़ा आफरीदी मेरे लिए, नसीरजादी लिखा, फिर आंगन लिखा, इसी तरह से बहुत सारे राइटर्स हैं जो कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं बिल्कुल, और वो लिखना चाहते हैं। बल्कि मैं तो बड़े मजे मजे की कहानियां सुनता हूँ लोगों से, मैं चाहता हूँ वो भी बने वो, लेकिन प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, कोई जगह कोई स्लॉट चैनल अगर क्रिएट करे मुख्तलिफ चैनल। अभी इसी प्लेटफॉर्म से तुम्हारे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और बहुत से चैनल से कि कुछ इस तरह का काम करें जिससे बच्चे अपनी कहानियां सुना सकें, बिल्कुल सही, क्योंकि वो कहानी भी तो देखें वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि वहाँ क्या होता है, मैं मुझे एक कोर्स के सिलसिले में जाने का इत्तेफाक हुआ यूएसई स्कूल ऑफ सिनेमेटिक आर्ट्स, 2016 में मैं गया, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ एक ऑगमेंटेड रियलिटी पे गेम बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आज हम आपको वहाँ दिखाएंगे कि वो गेम कैसे करना है। तो वो हॉलीवुड में एक इदारा है जो ये काम कर रहा है, जहाँ वो बच्चों को पढ़ा रहा है, वहाँ एक दो बड़े डायरेक्टर्स जिन्होंने बिल्डिंगें खड़ी की हैं उस स्कूल के अंदर, स्टीवन स्पीलबर्ग ने और जॉर्ज लूकस ने, उन दोनों की बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने अपना पैसा इधर लगाया है, यह देखिए ज़रा सा। तो वो हम वहाँ गए ऑगमेंटेड रियलिटी गेम के लिए, तो पता चला कि वो गेम पिछले 1.5 साल से बन रहा है, और वो गेम कैसे उन्होंने, वो बनाते कैसे, वो सोचते कैसे हैं आगे है। उन्होंने कहा ये आइडिया, मैंने कहा ये आइडिया कहाँ से, तो उन्होंने मुझे बताया कि आइडिया तो फोर्थ ग्रेडर से लिया है। वाह वाह, तो फोर्थ ग्रेडर से क्यों लिया, वो फोर्थ ग्रेडर्स को बुलाया, उन्होंने कहा कि आओ भाई बच्चों बताओ तुम आगे दुनिया कैसे देखना चाहते। किसी ने लिखा मैं अंडर वाटर फार्मिंग करूँगा, अब बच्चों आप थोड़ी रोक सकते, उसकी इमेजिनेशन तो खुली है, वो तो बोलेगा। वो बोला, उसने बोला मुझे अंडर वाटर फार्मिंग करनी है, किसी ने बोला मैं ये करूंगा, किसी ने बोला मैं आसमान पे ऐसा पंखा लगा दूंगा, कुछ भी। तो उनमें से कोई एक आइडिया उन्होंने कहा ये, और फिर उन्होंने कहा कि आओ भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ये काम करना शुरू करो। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वो काम, तो 1.5 साल से वो बन रहा था, हर बैच आता था उसी पर काम करता था। वो वॉल्स बन गई थी पूरी, वो नक्शा बन चुका था उस शहर का, उसका नाम है थर्स, खैर नाम पता नहीं लेना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन उसका गेंग का एक नाम था, उसमें एक पानी की तलाश का कोई गेंग था। तो यार वो ये कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को खामोश करा दें, हम कहते हैं तुम्हें क्या पता, बच्चों को क्या, बड़ों को खामोश करा देंगे, तू बताएगा हमें, हाँ बड़ों को भी खामोश बताएगा। तो ये इस तरह से काम है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपनी कहानी सुना, और मैंने बियॉन्ड बॉर्डर से कोशिश की थी, मैंने सीनी यूथ के नाम से एक आइडिया डेवलप किया था, जिसमें मैंने कहा था कि भाई हम फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम एक्टर, फर्स्ट टाइम राइटर को चांस देंगे, कैमरामैन हम उनको प्रॉपर देंगे, और हम ही देंगे, एडिट भी हम करेंगे, और ये आप जाए कहानी सुनाएं, और हम उनको पैसे देते थे बहुत कम कि भाई इसी में सीख लो। वजह उसकी है कि अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे तो तुम्हारी क्रिएटिविटी कहाँ गई, क्योंकि हमने तो वो एक बड़ी टर्म यूज़ करते हैं ना हम लोग, उसमें पकोड़े हम तलते हैं जी, हमने काफ़ी तले हैं तो वो, हाँ तो वो करना पड़ता है, वो आपको अगर सारी चीज़ें दी जाएगी तो अभी भी तल रहे
यार हम बता तो रहा हूँ, हम तरक्की नहीं कर रहे ना, हम रुके हुए हैं ना, तो हमने तो तलना ही है ना, बिल्कुल सही। और किसी तरह से अटकल पच्चू से काम भी निकालना है यार, यही बड़ी बात है। हम लोग इतना शदीद तबाहकुन सिचुएशन में भी अल्लाह ने इस कौम को खड़ा रखा है, यहाँ दे दिया, सब खा पी के सोते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत मुश्किलात जो है वो है, लेकिन अल्लाह मियां चला रहा है जी। खवातीन हज़रात, आपने देखा और सुना कि कैसे कहानियां सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना सिर्फ के बड़ों का बल्कि बच्चों का भी कहानियां सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें आसपास के बच्चों को बोलने दें, उनको सुने, चाहे और उनको जज ना करें उसमें, तो हर चीज़ बहुत जजमेंटल हो गई है ना कि ये क्यों कहा इसने, ये कैसे कहा। तो प्लीज़ अब जरा ईजी हो जाए, बच्चों पर भी बड़ों पर भी बहुत जरूरी है। वक्त तो है जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाए, ब्रेक से वापस आए, हमारे साथ मौजूद है एहतिशाम भाई, आप देख रहे हैं द मज़ेदार शो। लेकिन जब आप अपना ऑप्शन चूज करेंगे, हम कहीं कहीं पूछेंगे आपने ऑप्शन क्यों चुना, तो उसको जस्टिफाई कर दीजिएगा आपकी अदालत में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। पहला सवाल, एक्टिंग या फिर डायरेक्शन? डायरेक्शन। थिएटर या फिर टीवी? थिएटर। पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स? नेगेटिव कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन इतना ऐसा में नेगेटिव कैरेक्टर्स आप कम करते हैं या मिलते ही कम हैं? मिलते ही नहीं, ऐसा क्यों? ये हमारे यहाँ मैंने और भी एक्टर से सवाल किया है कि ये हम एक उसमें बंद क्यों कर देते हैं कि अच्छा जी ये काम ये अच्छा करते हैं बस इनको इसी में रोक दो। नहीं मुझे अगर तुम्हें सवाल कर रहे हो कि नेगेटिव क्यों, तो मार्जिन ज़्यादा होता है, एब्सोल्युटली ठीक है, इस वजह से, और उसमें एक्सप्लोर करने के मौके हैं, और हम यानी जो नेगेटिव कैरेक्टर्स अभी तक हम यानी सबकॉन्टिनेंट में प्ले कर चुके हैं लोग, उनमें बहुत ज़्यादा क्लीशे काम भी होना शुरू हो गया, एक जैसा अंदाज है, तो क्या नए रास्ते कौन से हैं उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव कैरेक्टर, तो आप एक अच्छी लाइन बोल देते हैं, किसी को सर पर हाथ रख देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। या अगर आपका प्रोटैगनिस्ट है, जाहिर है पॉजिटिव कैरेक्टर ही होता है, तो प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर आप समझते हैं कि मुझे मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक्सप्लोर करने की जगह है वो है नेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि आप जरा सा नई जहते तलाश करें। ठीक है, और वो सवाल के ये जो लोग एक चीज अच्छी करते तो उसमें फंसा क्यों देते हैं? वो तो मेरे ख्याल है कि फंसना चाहिए नहीं ना। मैंने आपसे ये कहा इससे पहले भी कि फंसना ही नहीं चाहिए, लर्न टू से नो। जैसे हम थोड़ी देर पहले ही बात करते ना कि चार पांच लोग हैं एक ही कैटेगरी, वही घूमता रहता है, वही घूमता है, सबको पता है किसको फोन आया था। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, फिल्म या फिर टीवी? टीवी। टीवी ठीक है। कॉमेडी या फिर रोना धोना? कॉमेडी। हाँ, क्योंकि आपकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत मजेदार है, और वो आपको जो लोग करीब से जानते हैं उनको अंदाजा है इस बात का। ये जो मैंने आपके साथ काम किया, मुझे पता चला कि अच्छा जोक को ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है, जरूरी नहीं कि आप कोशिश करें किसी को हंसाने की। अच्छा जी, वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? अभी तो ये पहना वेस्टर्न ही है। नहीं, आपको पसंद क्या है? पसंद तो खुला डोला ही होता है, मतलब हमारा खुला डोला सलवार कमीज। अच्छा, खुला डोला किसी को पसंद नहीं होता? खुला डोला ये अच्छा फॉर्म है, खुला डोला। अच्छा जी, ये होता है फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स। इंट्रोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट? अच्छा, ये एक जवाब देना है, एक ही देना है। मैं इसका जवाब मैं वैसे दूंगा कि किसी के सामने बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट, किसी के सामने बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट। हां, डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है किसके साथ। ठीक, इसके लिए वो वर्ड होता है ना, इसका हमने एक हमारे पास गेस्ट लाइन से बताया था, इट्स कॉल्ड एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट है आप? अच्छा, एम्बीवर्ट है, योर एम्बीवर्ट। अच्छा, मुझे नहीं पता था, आज मैंने सीखा, हमें भी नहीं पता था, आज मैंने पता है एम्बीवर्ट है। अच्छा सर, गर्मियां पसंद है या सर्दियां? सर्दियां। सर्दियों में कभी गर्म पानी नहीं आता, गैस नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, नहीं आता। नहीं, तो क्या करते सर्दियों में? ठंडे पानी से नहा लेते? नहीं, सवाल में गर्मियों में भी नहीं नहा सकता मैं, मुझे थोड़ा सा यानी गुनगुना चाहिए होता है, गर्माइश चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है। ये बताएं कि अंडा पराठा या पराठा चाय? अंडा पराठा। अंडा पराठा, अंडा पराठा। खाने को लेकर हम भी काफी सीरियस हैं। हाँ, जहाँ जिस एरिया में आप शूट कर रहे होंगे वहाँ का आपको बता देंगे यहाँ की ये चीज अच्छी है, वहाँ से मंगवाओ और खाओ और खाओ और ना से खाओ, खिलाते भी साथ। हम शूट कर रहे थे, उन्होंने कहा यार वो जरा बाबू के बर्गर तो मंगवाइएगा। हमने कहा बाबू का बर्गर? हमें पता ही नहीं था। उन्होंने कहा जाओ और बंस रोड पे मिलता है खास बाबू का बर्गर। अच्छा, और वो वाकई खाने से ताल्लुक रखता है। वाह, ऐसे ही है। तो ये जो बन कबाब है, चिकन बीफ या आलू और दाल?
आलू और दाल देखें बन कबाब की जब आप बात करें ना बन यानी जो बर्गर था वो पहले बन कबाब था वाह हाँ। जो बर्गर है हाँ। वो भी पहले बन कबाब था बन कबाब हाँ। तो बन कबाब जो है वो दाल और उसका ही बनता है जिसपे आप अंडे का लगाते हैं और फिर उसके बाद प्याज व्याज रख के वो दे देता है सिंपल और एक वो जो चटनी होती है और चटनी हरी वाली वाह 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 बस उससे अच्छा कोई नहीं होता पंजाब वाले वैसे इस चीज में बेचारे मार खा जाते हैं कभी बार नहीं वहाँ हर चीज रायता और दही खा रहे नहीं नहीं वहाँ का नॉर्म्स अलग है ना वहाँ आपको चने मिलेंगे दही बड़े के ऊपर केचप मुख्तलिफ चीजें मिलेंगी आपको उनका अपना स्टाइल है खाने पीने का ठीक है यहाँ कराची में आपको मुख्तलिफ जगहों की चीजें मिलेंगी यानी मेरे ख्याल है सबकॉन्टिनेंट के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनके नामों से दुकानें हैं यहाँ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वहाँ पे आपको कम मिलती है यहाँ पे आपको मीरठ मिलेगा तो आपको यहाँ पे दिल्ली का हैदराबादी भी मिलेंगे आपको सब इस तरह अच्छा मैंने ना इस बार पंजाब में एक चीज नोटिस की इस बार की है मैंने क्या जिस तरह यहाँ है ना कि जिस तरह आपने कहा हैदराबादी बिरयानी और ये हूँ तो वहाँ ना हर खाने से पहले एक माजूर का नाम लगा हुआ है लंगड़े के छोले बाबू की चांपे गंजे के पाए कोई मसला है जो अच्छा, भी बेच रहा है अच्छा मैंने नहीं वो भज्जे के पाए तो सुने के पाए लेकिन वो वहाँ पे एक कल्चर है ना नाम को वैसे कर देते हैं रफीक है तो फीका हो गया तो शायद वो आपको वहाँ जाके ये लगा के यार ये तो नाम कुछ अजीब सा नहीं है लेकिन वो है रफीक रफीक से फीका हो गया ये फज्जा भी है फजल दीन मेरे ख्याल से वो फजल से फज्जा हो गया और फज्जा फिर बिल्कुल ठीक है देसी खाना या अंग्रेजी खाना देसी यार देसी खाना सुपरस्टार या मालिक एक में सुपरस्टार ठीक है एक्टर एंड लॉ या फिर चंबेली चंबेली एहसन रहीम या फिर नबील कुरैशी नबील कुरैशी नबील कुरैशी ठीक है सत के तुम्हारे या फिर उडारी उडारी बुड्ढा या मकई कैसा एक्चुअली आई एम फ्रॉम अब्रॉड या भुट्टा भुट्टा हाँ उसकी सेटिस्फेक्शन उसकी मतलब उसको आप इतनी मकई तो ये कि आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ी यार मतलब आप मैंने आपसे कहा ना कि सांस फूलना चाहिए ठीक है तो जब तक मेहनत नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा यार ठीक है कर करा के दे देता है सब मकई हाथ में बिलाल अशरफ या फिर एहसन खान बिलाल अशरफ बिलाल अशरफ ठीक है जी अवार्ड्स या नो अवार्ड्स अवार्ड्स ठीक है इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है ऐसे हमें ये कुछ लोग कहते हैं कि अवार्ड्स में एक रिगिंग होती है और ये होता है दोस्तों का अवार्ड दे देते हैं यार ये क्या देखो है? दुनिया ये क्या भर में है? दुनिया भर में होता है ऐसी होता है चीजें होती नहीं हर जगह नहीं होता लेकिन कुछ जगहों पे होता है क्योंकि अवार्ड शो जो रन करते हैं ना वो उस चीज को साइंस को समझने की कोशिश करें वो रन करते हैं वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे अवार्ड शो में आए अब उनमें सबसे बात होती है अब सब ये कहते हैं हमें अवार्ड दो तो हम आएंगे कुछ इस तरह की बातें भी होती हैं क्योंकि कुछ इस तरह के अवार्ड शुरू हो गए जो इस तरह से होते हैं कुछ अवार्ड हैं जो कि बाज़ाब्ता उनकी जूरी है वो बैठती है अब उसमें भी उन्होंने वो निकालनी है कि भाई पीपल्स चॉइस और ऑडियंस का वो और फिर उसका जूरी प्राइस मैनेज करते हैं उसमें चाहते हैं लेकिन ये अवार्ड शो होते क्यों अवार्ड शो इसलिए होते हैं कि आपकी इंडस्ट्री मेरा झगड़ा सिर्फ ये अवार्ड शो से क्या है वो ये है टेक्निकल अवार्ड नहीं है टेक्निकल अवार्ड बहुत ज़रूरी हैं मैं हर प्लेटफॉर्म पर बोलता हूँ कि टेक्निकल अवार्ड नहीं देंगे तो आपकी टेक्निकल साइड की और पीछे रह जाएगी सेकंड लाइन आप तैयार नहीं कर रहे हैं अभी जो लोग जुनून की या बन गए हैं उनके बाद पीछे उनके खड़े होने वाला कोई नहीं है क्योंकि उसको ऐसा लगता है जैसे अवार्ड तो सिर्फ एक्टर को मिलता एक्टर है डायरेक्टर को मिलता है लेकिन उतना ही उन लोगों का हिस्सा है जो कि पूरी चीज बनाते हैं अभी हमारे यहाँ सब जितने कैमरामैन हैं ये सारे लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं इनकी वजह से हम नजर आ रहे हैं और जो टेक्नीशियंस बैठे हैं उनका भी एक हिस्सा है जो एडिट कर रहा है उसका भी हिस्सा तो टेक्निकल अवार्ड जरूरी है अगर आप दो घंटे का प्रोग्राम चला रहे हैं उनका जवाब ये आता है कि हम इतना टाइम ले नहीं सकते ऑस्कर भी इतना टाइम लेता है ना यार जी वो बिल्कुल देता है टेक्निकल अवार्ड चीज का देता है वार्डरोब का भी देता वार्डरोब है वार्डरोब का भी, का भी सब जब आप हर चीज में फॉलो कर रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं करें भाई करें ना क्योंकि उसकी वजह है उसकी वजह यह है कि अगर मुझे पता चलेगा कि मेरे काम को सराहने के लिए कोई एक चीज ऐसी मौजूद है जिसमें मैं कहीं जाके खड़ा हूं कोई जगह तो बनाऊं मैं अपनी जगह कि मैं यहां खड़ा हूं मैंने जी फलाने अवार्ड जीतना है या मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं तो आपके पास जगह नहीं है ना वो बोलेगा मैं नहीं बनना चाहता यूपी हर आदमी एक्टर बनना चाहता है हर आदमी एक्टर बनना चाहता है अभी तो डायरेक्टर भी बनना नहीं चाहते हैं लोग ज्यादातर एक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि तो मैं वही मकसद ये था कि चीजें जब भी सोचें उसकी वजह सोचने के भाई आप आना क्यों चाह रहे हैं इसके अंदर हाँ। तो अवार्ड जरूरी है बस अवार्ड से झगड़ा ये है कि टेक्निकल अवार्ड नहीं है सर ये अवार्ड होते हैं
इसमें आप ये जो साबुन और शैम्पू वाले अवार्ड्स होते हैं इसमें कौन सेलेक्ट करता है अवार्ड्स, कंपनी जिसका वो साबुन होता है या फिर उसकी ज्यूरी होती है? कोई ज्यूरी होती है, ज्यूरी होती है, ज्यूरी होती है। मैं खुद भी शामिल रहा हूँ ज्यूरी में एक दो दफा, लेकिन उसमें फिर मैं वही बात करूंगा कि बहुत सारी चीजें वो पीछे पीछे हो रही होती हैं और उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, वो किसी की नजरों के सामने शायद नहीं होती हैं, इसलिए जो होता है पीछे वो मैं कभी कहूंगा भी नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं कैसा ऐसा है। लेकिन जो मैं करने गया था वहाँ पे बाज़ाब्ता एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे मैं गया, वहाँ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अच्छा। आपने वहाँ पे उसको क्लिक करते हैं आप और वो कोई हाथ भी नहीं लगता उसको, सही है, वो ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड होता है, वो चला जाता है उनके पास। दूसरे जो बड़े अवार्ड्स इस मुल्क में हो रहे हैं हम 8-10 साल से, वो उनका भी तरीक़ेकार यही है, सही है। मैं हम अवार्ड्स की बात करेंगे वो, लेकिन वो चैनल के अवार्ड्स हैं, वो चैनल के ही लोगों का है। जो आप साबुन वाले अवार्ड्स की बात कर रहे हैं जिसका नाम लेने के भी पैसे होते हैं तो वो अवार्ड पूरी इंडस्ट्री के हैं और उसमें ज्यूरी मौजूद है, उसमें ज्यूरी मौजूद है, उसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। तो ये मैं कुछ बातें ऐसी जो मैंने देखी नहीं, जो मैंने किया वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताएं, साइकिल या फिर बाइक? साइकिल। साइकिल, वाह। बस या फिर रिक्शा? यार मेरी बैक प्रॉब्लम है ना थोड़ी सी, तो मैं रक्षा तो नहीं, मैं बस प्रेफर करूंगा। ठीक है, आप रिक्शे में जाए ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, बस के अपने मजे हैं, मैं बताऊं आपको, क्योंकि बस में पता है सबके ही मजे हैं। बस के अपने मजे हैं, लेकिन अभी बसें कहाँ रही हैं यार? सही बात है, बस हो गई। हाँ, मैं तो बचपन से हम एक 8A बस चलती थी, तो हमने अपनी जिंदगी में, मतलब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कितना बड़ा हो गया हूँ मैं, लेकिन इस जमाने में मैं बड़ा हो रहा था। बस स्टॉप पे, बस स्टॉप होता था बाज़ाब्ता, उसमें बेंचें होती थी, उसके आगे बोर्ड लगा होता था और वहाँ बाज़ाब्ता लोग खड़े होते थे और लाइन लगती थी। ये पाकिस्तान की बात? जी जी, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ सर, पाकिस्तान को आप ऐसी बात आपने कर दी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ही सब कुछ होता था और पाकिस्तान में ही लोग इंतहाई शुरफा जिसने कहते हैं आप लाइन लगा के बस में घुसते थे। वाँ वाँ। जो कंडक्टर होता था क्लीन ड्रेस होता था उसका, उसका एक बैग होता था, जैसे मेरे बैग रखा हुआ है सामने इसी तरह का, मतलब मैं कंडक्टर नहीं हूँ लेकिन इसी तरह का, और वो आपसे तमीज से बात करते थे। बच्चा आता था तो उसको बोलते बेटे कहाँ जाएंगे आप? अच्छा जी। और आपके पास एक कार्ड होता था जिसपे आपका स्कूल का डिस्काउंट होता था, वो मैंने 15 पैसे का टिकट भी लिया है, 30 पैसे का भी लिया है, 30 पैसा, ठीक है जी। और हम स्कूल तो खैर मैं पैदल कराता था, लेकिन कभी आना जाना हो जैसे हमारे घर से करीब था गुरु मंदिर या कहीं तारक रोड या बहादुराबाद या सदर की तरफ, तो हम 8A बस में जाते थे, मतलब मैं 8A बस में बैठता था। हाँ। जो PIB कॉलोनी से चलती थी, आके स्टॉप पर रुकती थी, लोग खड़े होते थे, सब लाइन बना के अंदर घुसते थे, ये भी मैंने देखा। अब तो मैंने वो बिगड़ते भी देखा है सब कुछ। मैं एक्स जनरेशन से हूँ ना, तो मैंने तरक्की भी देखी है और मैंने तनजली भी देखी। अब तो मैंने देखा बस इतनी स्पीड से जा रही होती है, आपको चढ़ना होता है, अक्सर आप कंडक्टर की शलवार पकड़ के चढ़ जाते हैं क्योंकि स्पीड तेज है। बिल्कुल, कंडक्टर की शलवार बशर्ते कि उसने पहनी हो, उसने क्योंकि पिछला वाला भी पकड़ के चढ़ा। अच्छा जी, रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? क्या रिकॉर्डेड शोज बेहतरी आ जाती है? देखो कोई भी काम में मेरा ख्याल है बेहतरी कंट्रोल रहता है, लाइव में बाज दफा मुगलजात भी निकल जाती हैं और अजीबोगरीब चीज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? यार इवनिंग शो, इवनिंग शो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शो शो का जो होस्ट है वो आपको मेल पसंद है या फीमेल? मतलब अगर बैलेंस हो तो क्या 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 बैलेंस हो तो बंदा कॉल कर ले किसी को। हाँ, बैलेंस हो तो कॉल कर लेना। देखे ना, कह रहे देखे ना। आइसक्रीम या आइस टी? आइसक्रीम। आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन सी वाली है, जमी हुई या कोन? मेरा ख्याल है कोन। कोन, कोन। और कोन कैसे खाते, चबा के? हर खाने का जो जो चीज है उसको उसी तरह से खाएंगे। कोन तो मतलब अगर आप चबा के कैसे खाएंगे कौन? नहीं, वो अक्सर लोग मतलब, देखा है वो कहते हैं यार ये बहुत अजीब सा है। नहीं, वो वाली कौन होती है जो ऐसे निकली और जा रही है तो आप फटफट। लेकिन अगर आप अच्छी जमी भी कौन लें, जैसे एक जमाने में मैंने तेहरान जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी कौन जो वो निकालते हैं तो वो चलता लेट जाता है, लेट जाता है बस आपका कि मशीन से निकलते 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 तो आप जब लेके खड़े होते तो ऐसा लगता है कि आप स्टार वॉर्स की वो तलवार नहीं वो लेके खड़े होते, तो फिर वो आप
कहाँ से शुरू करें, मतलब उसको पहले आप ये देखते हैं कि ये मैं यहाँ से शुरू करूँ, लेकिन वो उनका अपना स्टाइल है। वाह, कौन तो ऐसे ही लट्टू बना। अच्छा जी, बाय रोड ट्रेवल या फिर बाय एयर? यार बाय रोड में मजा आता है, मतलब अगर ट्रेवल करना है ना ट्रेवल, तो जहाज में तो आप उड़े और पहुंच गए, पता भी नहीं चला कहाँ आ गए, मतलब आप जगह बदल गई। तो जहाज में जब जाते हैं आप ट्रेवल करते होंगे बहुत सारा, तो अक्सर जहाज हिचकियां ले लेते हैं हवा में ना, तो उसमें आप क्या करते हैं, नॉर्मल बैठ रहते हैं कि हाँ ये तो होता है, या आप लम्हा आपको नजर आ जाते हैं? ऐसे शुरू में तो एंजॉय करते थे, एंजॉय करते हाँ शुरू में तो क्या मजा आ रहा है इसमें यार, तो झूला है ये झूला हाँ। और उसके बाद जब शादीवादी हो गई, बच्चे अच्छे हो गए ना, उसके बाद फिर ऐसा लगा कि यार मतलब आदमी ये सोचने लगता है ना कि मैं नहीं हूँगा तो क्या होगा, क्या होगा, और वो बड़ी बड़ी फिक्रें परेशानियां ले लेता, हालांकि काम उसका है, रब की जात पालते हैं, रब की जात ले जाती है, आप हो ना हो आपके कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर नो मोर, कोई बात नहीं, दूसरे उठा देगा कहीं से, किसी को वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना देगा, कुछ भी कर देगा। हम अब खामखा डरते हैं, मतलब वैसे तो एक दिन तो मर जाना सबने, डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सच्ची बात बताऊं कि मैं प्लेन के सफर से ना मुझे बड़ा कुछ अजीब से ही होता है, मतलब हमारे प्लेन भी तो ऐसे ही ना यार। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, वो प्लेन नहीं है वो तो वो कभी भी किसी का टायर निकल जाता है, कभी किसी को परिंदा आ जाता है। एयर होस्टेस से इतने मजे से कहा कि शुगर करें आपकी फ्लाइट टाइम में, अभी इसके शाम में ना पंखा खराब हो गया था। हाँ, अभी मैं अभी जो लास्ट फ्लाइट मैंने ली इस्लामाबाद से तो पता चला कि उसकी उसका टायर खराब हो गया है, जो कराची से आ रहा है, आ रहा है कराची से, आएगा अगली फ्लाइट से, फिर आपकी फ्लाइट चलेगी, वो टायर उसका सही नहीं था क्या, तो फिर हमको वेट करना पड़ा, और हम उन्होंने जैक लगा के छोड़ दिया उसको, दस घंटे में आया टायर। हाँ, इस्लामाबाद में फिर हम चले गए वापस, सामान रख के हमने कहा जा रहे हैं, फिर वापस आए। अच्छा जी, इमरान अशरफ या फिर अजान समी खान? इमरान अशरफ ठीक है। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। सैफ हसन या फिर साजिद हसन? ठीक है जी। आंगन या फिर खाब टूट जाते हैं? आंगन। ये बताएं, बहुत सारे दोस्त या कम दोस्त? बहुत प्यार करने वाले दोस्त। बहुत प्यार करने वाले सारे दोस्त। ठीक है। ननिहाल या फिर ददियाल? ददियाल मैंने इतना नहीं देखा। अच्छा, ठीक है। मेरा ददियाल जो है वो इंडिया में। ठीक है, तो वो ददियाल से दो चाचा ही हमारे यहाँ आए, और वो भी ननियाल में ही जम हो गए, क्योंकि ननियाल हमारा बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसलिए मैं जरा सा कुछ ननियाल। नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। पाकिस्तान या फिर अब्रॉड? पाकिस्तान। ठीक है, छुट्टियां मिले और बहुत सारे पैसे मिले तो फैमिली को लेके कहाँ घूमने जाएंगे, पाकिस्तान में या बाहर? घूमने कहाँ जाएं बताएं आप मुझे, इतने पैसे ही नहीं मिलते हैं कि नहीं मिल रहे फंसे में अभी तक तो नहीं मैंने किया कोई। अच्छा, सच्ची बात। अच्छा जी, लेट या फिर पंक्चुअल? कोशिश तो पंक्चुअल होनी। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई मिसहैप हो गया तो फिर आगे अलग बात है, लेकिन कोशिश मेरी कोशिश पंक्चुअलिटी। ठीक है जी। अच्छा, बिल्ली या फिर कुत्ते? बिल्ली। देखा, बिल्ली किसी किसी को बिल्ली भी पसंद होती है। मेरे पास है ना। अच्छा, बिल्ली है आपके पास? बिल्ला है, लकी नाम है उसका। लकी, वाह यार, ठीक है। लेकिन आप उनको सैफी भाई के नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनके तो मुर्गी हैं। सैफ भाई के पास तो आप किसी को भी नहीं ले जा सकते। सैफी भाई एक बार कुत्ता ले आए। अच्छा। हाँ, और वो कहेंगे मैं कुत्ता ले आया यार, मैंने कहा अच्छा तो क्या करेंगे आप उसका? तो कहेंगे मैं उसको पालूंगा, बच्चे बोल रहे थे ले आया। बच्चों ने तो देखा नहीं उसको, अभी रात में शोर करे वो, उसको उन्होंने कहीं बंद किया, बोले यार बच्चे तो कोई उठ नहीं रहे, मुझे ही उठना पड़ रहा था, मैं दे दिया किसी को। डिस्टर्ब हो गए। ठीक है जी। चाय या फिर कॉफी? चाय। वोट या फिर नो वोट? वोट। आपने आखिरी बार किसको वोट दिया? मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। वेरी नाइस। ठीक है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मजा आ रहा है आपको? हाँ। नहीं, मतलब मुझे अफसोस है कि वो आदमी क्यों नहीं जीता जिसको मैंने वोट दिए। हाँ, ठीक है, उस जैसे आदमी को जीतना चाहिए। ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने दोनों वोट उसी को दिए। और जो जीत गया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई देखो, उनको तो बहुत सारे लोगों ने वोट दिया ना। हाँ, तो वो उनको चाहिए था कि मतलब कुछ ऐसा होता, लोगों ने उनको वोट दिया। मुझे लगता है कि सिस्टम में इतनी शदीद मुश्किलात हो गई हैं कि किसी भी आदमी को काम करने के लिए मुझे लगता है कि ये 4-5 साल काफ़ी नहीं है। ठीक अगर है। उसको
काम करने देना है उसको आपने, तो मतलब उसके उसको काम करने दें या तो फिर, लेकिन उसका फिर रिजल्ट सामने आना चाहिए। वो चार साल तीन साल जो गुजरे हैं उनमें कुछ तो नजर आता ठीक है, कोविड के टाइम माइनस कर दें चलिए, वैसे उसके बावजूद कुछ और चीजें तो हैं असल में। आप सबके घर चले ना, कोविड टाइम में चले, उन्होंने अच्छे फैसले किए कुछ, उन्होंने कोई आपको स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए उसके जरिए अच्छी कोशिशें की, लोगों का रोजगार चलता रहा, तो क्या और भी दूसरे काम नहीं हो सकते थे? दूसरे काम हो सकते थे, तो उनमें से कुछ तो होते ना, मतलब जो बातें की गई उनमें से कुछ तो होते। वो लोग कहते हैं कि हमने उनको वोट दिया फिर उन्होंने घूम के हमें ही वोट दे दिया ये लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन आपने घबराना नहीं, घबराना ये अच्छी बात है। सोशल मीडिया, नो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। खाना पकाना या खाना खाना? पकाना, पकाना। घर पे टाइम गुजारना, घर के बाहर टाइम गुजारना? यार घर पे टाइम गुजारना जो मतलब बहुत दिल चाहता है, दिल चाहता है, वो जो हमारा रूटीन है, रोजगार है, वो हमें मौका नहीं देता इतना टाइम गुजारने का। बाजा आपका दिल चाहता है कि मैं आज टेरेस पे बैठ के साथ मतलब थोड़ा सा चाय, वाह वाह, लेकिन वो या तो गलत वक्त होते हैं, आप उस वक्त टेरेस पे जाने का वक्त अजीब सा टाइम होता है ना, टेरेस का वक्त होता है ना, चाय का वक्त। हाँ, तो फिर आप बोलते हैं यार मतलब आज टाइम मिला है तो मतलब ये चाय का वक्त। ऐसा भी होता होगा कि कभी बार के टाइम भी परफेक्ट, मौसम भी परफेक्ट, आप बैठे और फोन आ गया, सर मेमोरी कार्ड उड़ गया है। हाँ, ये तो बहुत सारी चीजें, ये तो होता है, ये तो होती है, और खासतौर पर जब आपके प्रोजेक्ट ऑन एयर हो रहे होते हैं उस वक्त तो आपके मतलब बैंड बजी हुई होती है आपकी। आपने बहुत जवाब दिए, अब वक्त तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका, एक आदि पूछेंगे एक मैं पूछूंगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जी आदि भाई, मैं जो आज सवाल लेके आया हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन सेंसिटिव जरूर है। मुझे लगता है कि हमारे इंडस्ट्री के जितने भी सीनियर्स हैं उनसे अच्छा इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता। ये मैं सवाल करने से पहले हमेशा कहता हूँ कि टीवी पे एक बार चलेगा लेकिन सोशल मीडिया पे ये हमेशा रहेगा, और गलती से ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा वायरल भी हो जाता है। अच्छा, तो आप जो भी जवाब दीजिएगा सोच समझ के दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ डायरेक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, एज अ सन, आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज्यादा बेहतर या सही चीज कौन सी है इन दोनों में से जो मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा बेहतर और ठीक, नाड़े वाली शलवार या लास्टिक वाली शलवार? लास्टिक वाली में भी कोई मुजायका नहीं है, मगर आपके बच्चे जो है ना बड़े हो जाने चाहिए, नंबर एक। दूसरी चीज ये कि जो जहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने पूछा है ये सवाल, नाड़े वाली सलवार, असल में घिटान जो होती है ना वो यहाँ बंदी की होती है, वो सलवार दिमाग पे चढ़ा दिया यहाँ बंदी होनी चाहिए। बहुत अच्छे। आखिरी सवाल, आपने ज्यादा टाइम नहीं लेना, आदि या फैजान? और इसमें जस्टिफिकेशन नहीं, आप नाम ले, खत्म। आदि, आदि। बहुत अच्छे जवाब दिए अपने अर्जुन भाई। वक्त तो अजी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले काशी भाई, राज थी अब खुली है, खो गई थी मिली है, बेवजह जो लगी दीवानगी, ना कदम है जमी पे ना कमी है कहीं पे, जिंदगी तेरे आने से हंसी, बेखबर रास्तों पे हाथ थामे जो हम चले हैं, धड़कनों में बेखुदी है, पास आए जो हम मिले हैं, जो कभी ना हुआ है, जो कभी ना किया है, वो सभी हो रहा है इन दिनों, तेरे साथ चला है, तेरे नाम लगा है, मेरा दिल ना मेरा है इन दिनों, ओ जागने लगी रातें और ख्यालों सी बातें, तन्हाई भी पहले सी नहीं, कभी लम्हे रुके हैं कभी दिन उड़े हैं, कभी इस तरह तो नए थी, ख्वाब है नए नए से तेरी आँख
आँखों से देखता हूँ, हर घड़ी हर एक पल मैं तेरे बारे में सोचता हूँ। जो कभी ना हुआ है, जो कभी ना कहा है, वो सभी हो रहा है इन दिनों। तेरे साथ चला है, तेरे नाम लगा है, मेरा दिल ना मेरा है इन दिनों। ओ आपको एक जुमला सुनाऊंगा, उस पे कुछ अल्फाबेट बोलना, वर्ड्स गायब होंगे, वो आपने फिल कर देना, फिल इन द ब्लैंक की टाइप, ठीक है ना। मेरे दोस्त बड़े ही डैश हैं, लेकिन मैं भी काफी डैश हूं। मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं, वाह, लेकिन मैं भी बहुत प्यारा हूँ, वाह वाह वाह। आदि भाई जी, मेरे दोस्त बड़े ही डैश हैं, लेकिन मैं भी काफी डैश हूँ, ये तो सबको ही पता है। मेरे दोस्त बड़े ही डैश हैं, लेकिन मैं भी काफी डैश ही हूँ, सबको पता है, डैश सबको पता है, वेरी गुड। इंडस्ट्री में डैश कम और डैश ज्यादा चलता है? इंडस्ट्री में कैश कम और काम ज्यादा चलता है, वाह, कैश कम और काम ज्यादा। आदि भाई, इंडस्ट्री में लड़के कम और लड़कियां ज्यादा चलती हैं, वाह, ज्यादा चलता है लिखा है बॉस, आपको ज्यादा चलता है, मैं मैनेज करना है। इंडस्ट्री में कैश कम और चेक ज्यादा चलता है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। मैं अपने सेट पर डैश बर्दाश्त नहीं करता। डैश बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें देख तो रहा है। मैं शोर बर्दाश्त, शोर बर्दाश्त नहीं करता। आज भाई, मैं अपने सेट पे बुरी वाइब्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुरी वाइब्स, ठीक है जी। तुम दोनों बहुत डैश हो, लेकिन डैश भी हो। हाँ। ये जो डैश आ रहा है ना, ये कहीं और ले जाता है। खुद से मकसद हमारा यही है, खुद से ले जाता है और ऑडियंस को नजर आना समझ जाता है। असल में जाते पहले उधर है। आप बोलते हैं और क्या, फिर आप बोलते हैं नहीं, आप उसको, असल में ये गेम हम ऑडियंस के साथ भी खेल रहे होते हैं। अच्छा, सब अपने अपने जवाब दे रहे होते हैं, सबको अपना डैश नजर आ रहा है। अच्छा, तुम दोनों डैश हो लेकिन डैश भी हो। हाँ। अच्छा, बहुत भी है पीछे। हाँ, तुम लोग दोनों बहुत अच्छा। बहुत ही भी लगा दे, बहुत ही, दोनों बहुत ही शरीफ हो। शरीफ हो? हाँ। अरे लेकिन उल्टा कर रहा हूँ। लेकिन 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 बेवकूफ भी हो। ठीक है ठीक है, शरीफ भी और बेवकूफ भी हो। किसी और वाइब में ले, मैं ऐसे ही ले जाऊंगा। मैं ऐसे ही ले जाऊंगा। आदि को देखकर डैश की याद आती है? आदि को देखकर किसकी? हाँ, ये बड़ा अच्छा, तुमने, अब मैं दिल से बताता हूँ। जी जी प्लीज। आदि को देख के मुझे रफी खावर साहब की याद। अरे वाह, क्या बात है क्या बात है, क्योंकि वो जितना, यानी वो एक उनकी टाइमिंग और उनका वो, उनका प्यारा अंदाज, और मैंने कहा ना आदि को देख के एकदम से प्यार आता है। अगला जुमला भी था कि चला भी जाता है। अच्छा जी, फैजान को देख कर डैश की याद आती है? फैजान को देखकर मुझे, और से देख रहे थे हम कि कौन याद आ रहा है इसको देख के। देखिए, किसी भी स्पीशी का नाम भी ले सकते हैं आप। किसी भी स्पीशी का नाम। इससे बेहतर क्यों नहीं मिल सकती आपको? नहीं, मुझे परवीन आपा की याद आती है जब भी, मतलब तुम्हें देखता हूँ, मतलब अच्छी, अगर सही बात पूछो तो, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया हुआ है ना, आपा के साथ सेट पे भी, बड़ी हमारी खानदान ने शुक्रिया किया था, उसके अलावा भी मैंने किया उनके साथ, एक मैंने किया था उनके साथ जहरा, एक जिसमें पर्शियन बुलवाई थी उनसे, जी जी जी, अलिजबा के साथ, वो एक, वो मैंने स्टोरीज फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड किया था, उसमें वो कहानियाँ थी जो दूसरे ममालिक में की कहानियाँ थी, तो उसमें एक ईरानी कहानी थी जहरा, तो उसमें परवीन आपा से मैंने पर्शियन बुलवाई थी, तो बड़ा तुम्हें, जब तुम्हें उनकी वैसे जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा मसला है। अच्छा, किसी की डैश में डैश चला जाए तो बहुत तकलीफ हो सकती है? हाँ, ये बात है। किसी की नाक में किसी की उंगली चली जाए तो क्या बात है। आदि भाई जी, जी फरमाइए। सवाल से पहले ही मुझे गलत सा जवाब नजर आया। किसी की डैश में डैश चला जाए तो बहुत तकलीफ हो सकती है? किसी के नहीं है, किसी की
किसी की खाने की प्लेट में अगर बाल चला जाए तकलीफ क्यों होगी इसमें? तकलीफ होती है ना खाना खाता बाल निकला, किसी की आंख में कंकर चला जाए बहुत तकलीफ। ये पहले बता देते ना, मैं बोल देता। अच्छा जी, मैं पाकिस्तान में अक्सर लोगों के डैश बहुत बड़े होते हैं, टेंट्रम्स बहुत बड़े होते हैं। आप बताइए घर। वाह, थैंक यू यार। अच्छा, मैं अक्सर डैश करते हुए पकड़ा जाता हूँ। झूठ बोलते हुए, झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता हूँ। आदि भाई, खारिश। खारिश करते हुए? हाँ, क्योंकि कभी कभार ऐसी जगह पे हो रही होती है जैसे कि टांग के पीछे, तो आप अजीब सा कर रहे होते। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब भी डैश करता हूँ थोड़ी सी डैश खुद भी आ जाती है। जब भी मजाक करता हूँ थोड़ी सी हंसी खुद भी। अरे वाह, आदि भाई जी जवाब तो अच्छा मैंने दे दिया। जब भी डैश करता हूँ थोड़ी सी डैश खुद भी आ जाती है। जब भी गहरी बात करता हूँ ओफ तो थोड़ी सी उदासी खुद भी आ जाए। अरे हाय हाय, गहरी बात से उदासी। गहरी बात, वाह वाह वाह, इतनी गहरी थी वो उदासी फैल गई। उदासी फैला दी आपने। अच्छा जी, कभी भी डैश के लिए डैश नहीं उठाए। ठीक है, कभी भी आदि आप पहले बताते हैं जी, मुझ पे कहां जाते हैं पहले? कभी मैंने पहले आपको बताया ताकि जरा आसानी हो जाए। कभी भी डैश के लिए डैश नहीं उठाए। कभी भी हाँ धोने के लिए ओके कपड़े नहीं उठाए। ओए होए 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 होए, ऑलवेज अ हेल्पर, ऑलवेज अ हेल्पर जी। वो आजकल के दौर में कभी भी धोने के लिए लोटा नहीं उठाया आदमी से। ये भी हो सकता है, ये भी सही है, क्योंकि लोटा तो नापैद हो गया। सही कह रहा है, इसका असर तुम्हें तुम्हारे से लिया मैंने। इसका असर ये था कि कभी भी पड़ोसी के लिए थैले नहीं उठाए। ओ थैले नहीं उठाए। हां अच्छा, तो ना पड़ोसी के लिए हमारे थैले उठाने चाहिए। हां डिपेंड करता है। अच्छा जी, आजकल डैश की कदर कोई नहीं करता, लेकिन सिर्फ डैश हो तो सब सेट है। नहीं, ये तो एक मुहावरा सा है, है या कुछ तो है, मुहावराती है वो है। आजकल डैश की कदर कोई नहीं करता, लेकिन सिर्फ डैश हो तो सब सेट है। आजकल टैलेंट की कदर कोई नहीं करता, अगर फॉलोअर्स हैं तो सब। ओए हाय हाय, आपने स्पॉट ऑन दे दिया, 10 out of 10। क्या बात, आप इसमें कैसा दिया भी कर सकते हैं जी। आदि भाई, आजकल इखलाक की कोई कदर नहीं करता, पैसा है तो सब ठीक। इखलाक तभी रो रहा है बाहर, बैठा था मैंने देखा उसको। अच्छा जी, पाकिस्तान की बेस्ट हीरोइन डैश है। पाकिस्तान की बेस्ट हीरोइन मतलब मौजूदा, फिलहाल मौजूदा, फिलहाल मौजूदा है ना? हाँ, माहिरा। माहिरा, माहिरा। आदि भाई क्या चीज, क्या चीज नहीं, मैंने बेस्ट हीरोइन, बेस्ट हीरोइन पाकिस्तान की बेस्ट हीरोइन डैश माहिरा खान। माहिरा खान, हाँ ठीक है। बस में सबका एक दूसरे से डैश टकरा रहा होता है, तो बहुत आसान है। मैं तो सोच लिया जवाब, मैंने सोच लिया जवाब। इतना रश तो नहीं होता है। उनको आपके उस लोग बैठे भी होते हैं। उनको आपके सवाल में मसला है। अच्छा जब मतलब पहले मुझे ऐसा लगा, पहले कोई लाइफलाइन तो नहीं है ना, जैसे एक ट्रेन चलती है बॉम्बे में तो जी जी जी, तो मैंने देखा कि 6 महीने पहले कुछ बसों का सफर किया एकदम से ना, इतना तो नहीं होता रश। हां कि मैं जवाब दे देता हूँ। आप क्या कहते हैं? बस्ता। हाँ, बस्ता। बस्ते टकराते हैं, कपड़े कपड़े टकराते हैं, कंधे से कंधा टकराते हैं, कंधे से कंधा टकराते हैं, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स टकरा जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का बेस्ट हीरो डैश है? पाकिस्तान का बेस्ट हीरो, बेस्ट हीरो इस वक्त आदि भाई, हाँ हाँ इसी वक्त का मौजूदा 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 फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी ठीक हो गया जी। कभी भी डैश ना करना वरना हमेशा डैश ही कहलाओगे। कभी भी डैश ना करना वरना हमेशा डैश ही कहलाओगे। कभी भी कत्ल ना करना वरना हमेशा कातिल ही कहलाओगे। उफ अल्लाह, ये तो तुम उधर ले गए, मैं कहीं भी ले जाता हूँ, गाड़ी है। कभी भी रिश्वत मत लेना वरना राशि कहलाओगे। ओए रिश्वत, मैं कह रहा हूं कभी भी सियासत ना करना वरना हमेशा झूठे कहलाओगे, झूठे कहलाओगे। उफ, आपको हमने दे दिए दुनिया के तमाम पैसे सिर्फ बातों बातों, ठीक है। आपको एकदम लगा था कि शायद ऐसा होने वाला है। आपने जल्दी से फिल्म की कास्टिंग करनी है, 5 कैरेक्टर्स हैं उसमें, आदि भाई आपको 5 कैरेक्टर्स बताएंगे, जल्दी से कास्टिंग करके बताएं कौन कौन कास्ट हो सकता है, इतना पैसा है कि कहीं से कोई भी आ सकता है, ठीक है जी। आदि भाई, ये एक अंकल है बहुत एजेड, अंकल हाँ, और एक आंटी है बहुत एजेड आंटी,
एक लड़की है, लड़की जो बाहर से आएगी उनको स्टडी करने के लिए, उफ, उनको उन दोनों को, उन दोनों मतलब उन दोनों को, हाँ वो बाहर पढ़ रही है, उनको स्टडी करने आई है कि दोनों अकेले क्यों रहते, ठीक है ठीक है। उसके बाद एक बच्चा है जो मोहल्ले का है और रोज उनके घर आता है अंकल आंटी के, उनकी लड़का कर लो, लड़का ना, लड़की के साथ ट्रैक बन जाएगा ना। अच्छा आप ऐसे जा रहे हो, हाँ कहीं था, ठीक है। एक लड़का आ रहा है जो उस मोहल्ले में रहते हैं और रोज उस अंकल का आंटी का रहता है। एक रहेगा, एक ऐसी शख्सियत है जिसको पूरे फिल्म में ढूंढेंगे लेकिन वो एंड में पता चलेगा कि वो पास में ही थी। अच्छा इसमें सबकी करनी है कास्ट, जी जी नहीं मतलब जो पूरे फिल्म में उनको ढूंढेंगे वो मिलेंगे नहीं, हम मिलेंगे नहीं और आखिर में चलेगा पास में तो थे, इनको ढूंढ कहां रहे थे हम, तो अच्छा। मिल जाएंगे ना, फिर तो फिर मिलेंगे, फिल्म खत्म मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, पांच कैरेक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले तो हम करते हैं कास्टिंग उसकी, जो के अंकल आंटी है, जी बिल्कुल। अच्छा जी अंकल के लिए मैं समझता हूँ कि क्यूट ओल्ड एंड सैड, अच्छा ये सैड कपल है जिसके ऊपर रिसर्च करने की और लड़की आ रही है, वन लाइनर दिया लड़के ने, क्या कमाल मतलब ये इनकी रिसर्च के लिए। अच्छा तो मैं पाकिस्तान से लेना कहीं से भी, पैसे दिए इसीलिए, अच्छा पैसे हैं बहुत बहुत पैसे, इसलिए पैसे दिए कि आप कहीं ये ना बोले कि मैं सोच रहा था अल पचिनो को बुलाऊं लेकिन अब कैसे होगा। अच्छा एंथनी हॉपकिंस को मिलेंगे, अंकल एंथनी हॉपकिंस, अंकल ठीक हो गया, ठीक है। उनके साथ जो आंटी है जी, वो मैं यहाँ से ले लूंगा पाकिस्तान से, ठीक है। मैं लेता हूँ उनके साथ तो लड़की जो है वो हम लेते हैं माया अली को, माया अली लड़की आगे बाहर से, माया ठीक है ठीक है। अब आ जाते हैं पड़ोस का लड़का तो फिरोज खान को ले लेते हैं, फिरोज खान को ले लें, फिरोज खान आ गया लड़का, फिर वो पड़ोस का लड़का हो गया। और क्या बताइए, अब और वो कैरेक्टर जो नहीं मिल रहा था किसी को, जिसको पूरी फिल्म में ढूंढ रहे थे, हाँ, और फिर वो पास से मिल गया, वो पास से मिल गया, हाँ, वो मैं खुद प्ले करूँ। और क्यों, आखिरी सीन में आ पाएंगे, मैं आखिरी सीन में आ जाऊंगा, आ गए भाई आ गए, पैसे भी तो बचाने, प्रोड्यूसर भी तो हम ही है ना, बचाने मतलब अपने पैसे सबसे ज्यादा लगाओ, शौक भी तो करना है ना पूरा, वो कह रहे अपने पैसे सबसे ज्यादा लगाऊंगा ये भी होता ना भाई, वेरी गुड भाई, आपने गेम हमारे हाथ में दे दी ना, क्या बात, यहाँ पे जिसके हाथ में गेम आई उसने अपना आलू उसने अपना रख लिया, सही है, हम भी वही चलेंगे। अच्छा तो ये इस फिल्म का नाम क्या होगा, इस फिल्म का नाम होगा क्यों, क्यों, हाँ क्यों बन रही है ये, क्यों ये किसने बना सोचा ये फिल्म बने, क्यों, हाँ इसका नाम ही क्यों, क्या बात है जबरदस्त, और इसको डायरेक्ट आप खुद करेंगे, नहीं आपने नहीं कहा, नहीं नहीं हम तो आपको पूछ रहे, नहीं आपने कहा आपने फिल्म बनानी है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए प्रोड्यूसर तो ऐसे किया ना आपने, आपकी मैं हायर करूंगा ना, डायरेक्टर भी हायर करूंगा, ये है ना सवाल, कौन डायरेक्ट करेगा, एंथनी हॉपकिंस, अतिका ओडो, एहतिशाम भाई, माया अली, फिरोज खान, इनको कौन डायरेक्ट करने आ रहा है, इनको डायरेक्ट करने के लिए बुला लेंगे, क्यों, यहीं से बुलाएंगे, यहीं से कौन, हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर एहसन रहीम को बुलाएंगे, एहसन रहीम, वाह भाई वाह, एहसन करेगा ये फिल्म, क्या बात, और लोकेशन क्या होगी इसकी, लोकेशन इसकी एंथनी भाई को जरा यहां मसला हो सकता है, पाकिस्तान में करेंगे शूट, अच्छा, और एंथनी भाई को चीट कर लेंगे बाहर जाके लाहौर दिखा देंगे क्योंकि हम लोग चीटिंग के माहिर हैं, माहिर हैं, तो हम लोग वहीं किसी भी किस्म की, किसी भी किस्म की क्योंकि पहले तो ये एंथनी साहब को यहाँ बुलाने के लिए अपने यहाँ वैसा वो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो कोई आएगा, वैसे आ जाते हैं लोग, आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, आ जाते हैं, पीछे पीछे भी बहुत लोग आए, क्रिस्टोफर ली आए, हाँ ओम पुरी साहब आए, हाँ लेकिन वो बस वो वक्त ऐसा था शायद, अभी तो बहुत ही अजीब और गरीब हालात हो गए हैं, मुश्किल है कि किसी को बुलाना या कहीं यहाँ पे काम कराना, लेकिन अगर वो आ सके तो आप बुलाएंगे यार, मतलब उसके लिए फिर वैसा सब्जेक्ट भी तो चाहिए ना, चाहिए काम पहले अपने तो सीधे करें सारे, उसके बाद फिर किसी को भी बुलाएंगे, आएगा यार, आएगा, अभी तो हम लोग फेज में, हम तो जमीन हमवार कर रहे हैं यार, उसके बाद फिर बीज भी जलेंगे कुछ इंशाल्लाह, पौधे वौधे खड़े होंगे तो हम नहीं बुलाएंगे, चलो कोई हमारे बच्चा बुलाएगा आगे आगे का, या हमें बुला लेंगे, और एंथनी हॉपकिंस उस वक्त तक हो ये भी चक्कर है, हाँ बोलेंगे नहीं ये जी हमारे एक बड़े सीनियर वो थे, उनकी ख्वाहिश थी एंथनी हॉपकिंस लेकिन वो अब रहे नहीं, तो मतलब ऐसा अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन ये कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है कि जब हम लोग अपने काम सीधे कर लेंगे ना
तो फिर सब आएंगे यार, सब आएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल आएंगे, बस ये बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, क्यों अच्छी फिल्म है? क्यों अच्छी? मैं सोच रहा हूं कैसा लगेगा प्रमोशन करते हुए, भाई क्यों आ रही है भाई? वो बोलेगा कि आपको किसकी टिकट चाहिए? क्यों मैं कहा क्यों भाई, आप मैं आपको दूंगा ना, आप बताए ना किसकी टिकट, बोला क्यों भाई टिकट बड़ा आपने रश लगेगा सर, रश लगेगा, टिकट नाम अच्छा है ना, बेहतरीन, इसको फॉरेन पेटेंट करा ले, हां करा ले, क्योंकि ये शो देख के ऐसा ना हो कि आप परसों सुनेंगे सर पेटेंट, क्योंकि क्योंकि शूट जो है शुरू हो चुकी है, पेटेंट बाहर होता है सर, यहां नहीं होता, यहां सीन ही नहीं है। ठीक है जी, लेकिन थैंक यू सो मच श्याम भाई, आपने बहुत सारा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे तो बुलाता भी नहीं है यार, हैं क्या बात है, ऐसी मजाक आप बुलाते हैं, मतलब मैं हर जगह मजा नहीं आता, मतलब मजा नहीं, इसमें मुराद ये है कि मैं वो ऐसे वैसा आदमी हूँ, वो मॉर्निंग शो में जिस तरह के हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ चल रही होती है तो फिर आपको बुला लेते हैं। मेरा कहना ये होता है लोगों से, यार जब मैं कुछ ना कर रहा हूँ तब बुलाया करो, इसलिए मैं दिल चाहता है, दिल नहीं चाहता जाने का, जब मैं खाली बैठा हूँ ना, अगर मेरी अहमियत है तो मैं खाली बैठा हूँ तो बुला, आपके लिए बुलाया, हाँ मैं खाली बैठा हूँ। थैंक यू श्याम भाई, थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट फॉर हैविंग यू। आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। बस भाई मैसेज क्या, मैं मेरी चीजें देखें, अगर पसंद आए तो बताएं कि क्यों पसंद आई, और नहीं पसंद आया तो भी बताएं कि क्यों नहीं पसंद आई, ताकि आगे उसको बेहतर किया जा सके, क्योंकि हम तो सीख ही रहे हैं और सीखते ही रहेंगे, आखिरी दिन तक सीखते रहेंगे, जब तक जिंदगी है सीखते रहेंगे, तो कोई चीज भी हतमी नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिस पे हमने कोई मोहर लगा दी है या आगे कोई बैरियर लगा दिया है, चलते चले जाएंगे भाई, इंशाल्लाह तक चलना है, आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों के साथ काम, इंशाल्लाह। आज भी आपका कोई मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि PSL अब शुरू हो गया, और मेरे ख्याल से बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है कि वो रोड ब्लॉक्स होती हैं, तो प्लीज़ इस बात को समझें और इस बात को थोड़ा सा स्टडी भी कर लें कि कब मैचेस हैं और कब रोड ब्लॉक हुआ करेगी, ताकि उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज करें और इस बात की एक्सक्यूज़ ना दे कहीं पहुंच के कि यार पता है ना मैच चल रहा है, ट्रैफिक जाम हो जाती है इसलिए लेट हो गए, तो उसको मैनेज करें, उसमें शोर ना मचाएं, ये चीज़ होनी है आपको पहले से पता है तो उसके हिसाब से चलें, ताकि आपको भी ना परेशानी हो और आपके काम पे भी ना परेशानी। आपके साथ तो ये भी कि आपने जो लोगों को चलाया, लोगों को कहा कि उस वक्त निकलें जब एक भाई अगर एम्बुलेंस को जाना है तो उसके लिए रास्ता भी तो बनाया ना। जी जी बनाए बनाए, ये भी तो जितने भी सेहतमंद माशरे हैं वहाँ पे एक साइड लाइन होती है। हमारे यहाँ तो पीछे लग जाते हैं, हमारे यहाँ साइड लाइन पे ठेले खड़े होते हैं ना, मतलब सही या कोई गाड़ियाँ पार्क हुई होती हैं, तो यार उस लाइन को अगर सीधा कर लें तो फिर कुछ भी होता रहे वो लाइन सीधी रहेगी, कम से कम किसी को गुजरने में आसानी। बिल्कुल जी, आसानियाँ पैदा करेंगे तो आपके लिए भी आसानी की उम्मीद करते हैं। आपको हमारा शो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। जाने से पहले काशिप भाई, हमें आप क्या सुनाने वाले? कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूं, फिर ये सोचता हूं क्यों ना चुप रहूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूं कुछ ना कुछ कहूं, फिर ये सोचता हूं क्यों ना चुप रहूं, जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ ना चुप रहूं। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती है, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती है, वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल ही जाऊं, हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती
ही है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, फिर ये सोचता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिना अशफाक और मैं आ रही हूँ मजेदार शो पे आदि और फैजान के साथ, ओनली ऑन TV1। मजेदार शो।